Any doubt in the previous lecture, kindly let me know. Anyone has any doubt in the previous lecture? ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद इंडिया एंड नेपाल. अब आज हम नई कंट्री अपन पढ़ रहे हैं, नेपाल. अभी तक जो हमारा हो चुका है, हमने इंडिया पढ़ा, ठीक है, थोड़ा सा इंडिया पढ़ा, इंडिया को समझा. सबसे पहले हमने देखो कैसे अप्रोच रखी अपन, नहीं समझते हमको इंडिया और दूसरी कंट्रीज के बारे में समझना था. इंडिया पढ़ा पहले हमने, फिर हमने चाइना पढ़ा, फिर हमने चाइना इंडिया पढ़ा, ठीक है. फिर हमने दूसरा टॉपिक अपना अफगानिस्तान लेकर आए, अफगानिस्तान के बाद फिर अफगानिस्तान का बेसिक स्ट्रक्चर हमको इंडिया और अफगानिस्तान का रिलेशन पर. फिर हमने श्रीलंका की साइड पढ़े, ठीक है, श्रीलंका के बाद फिर हम बांग्लादेश पढ़े, है ना. एक एक करके हम सारी कंट्रीज को कवर कर रहे हैं और डिटेल में कवर कर रहे हैं, है ना. डिटेल में मतलब इसका फिर अपन करंट अफेयर्स भी इसमें समझ में आ रहा है, राइट. तो ये सब चीजें अपन, अब जो नेक्स्ट कंट्री है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, नेपाल. और नेपाल का भी पहले बेसिक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, फिर इंडिया और नेपाल के रिलेशन हम पढ़ेंगे, राइट. नेपाल के साथ ही हम भूटान भी पढ़ेंगे, इसके बाद भूटान पढ़ेंगे. और ये हमारा जो नेबरिंग कंट्रीज होंगी, एक तरह से ये नेबरिंग कंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी, जो जो हमारी बॉर्डर कर रही है, ठीक है. और फिर जो मैरिटाइम बॉर्डर बाउंड्री है, और एक और कंट्री है जो कि लैंड बाउंड्री भी है, दैट इज म्यांमार, वो बचेगा अपना म्यांमार, ठीक है. और फिर पाकिस्तान तो हमको लास्ट में पढ़ना होगा, पाकिस्तान के लिए स्पेशल सेशंस लेने पड़ेंगे, ठीक है. पाकिस्तान जो है उसकी क्या समस्या है वो अपन को लास्ट के अंदर पढ़ना पड़ेगा. लास्ट मतलब जब एंड कर रहे होंगे ना अपन इंटरनेशनल रिलेशन, तब जाकर पाकिस्तान को पढ़कर फिर वो सब चीजें तुमको एक वापस डायमेंशन क्लियर कर देंगे सारे, राइट. अफगानिस्तान से लेकर सारी जो साउथ ईस्ट एशिया है वो पूरा कर, इनके साथ साथ ही ये जो कंट्री होंगी अभी आगे चलकर अपन इनकी फिर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ेंगे. ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन वी विल कवर, ठीक है. सार्क ऑर्गेनाइजेशन, G7, G4, ठीक है, G20, राइट, ये सब ऑर्गेनाइजेशन कवर करेंगे, है ना. शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इनके पीछे बहुत बहुत कहानी है. आसियान ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है वो अपन करेंगे कवर. डिफरेंट डिफरेंट ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन सबको अपन डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में कवर करेंगे. यूनाइटेड नेशन क्या है, यूनाइटेड नेशन के अंदर कितनी बॉडीज हैं, ठीक है, ये सब चीजें अपन करेंगे कवर. बट बिफोर दैट टूडेज क्लासेज ऑफ नेपाल, इंडिया एंड नेपाल का रिलेशन पढ़ेंगे. सबसे पहले अपन को ये देखना पड़ेगा कि नेपाल जो है दैट इज ए बफर स्टेट, मतलब बीच में फंसा हुआ कंट्री. एक है ना बफर कंट्री क्या होता है, जो दो बड़ी जायंट्स के बीच में फंसा होता है, दैट इज नोन एज बफर कंट्री, राइट. दोनों के बीच में एक तरह से क्या है, एक तरह से एक कंट्री है जो दोनों के बीच में, दो बड़ी कंट्रीज के बीच में. यहाँ पर बड़ी कंट्रीज कौन सी है, चाइना एक बहुत बड़ी कंट्री, और दूसरी बड़ी कंट्री एशिया में तो बड़ी है ही इंडिया, ठीक है. इंडिया और चाइना के बीच में फंसा हुआ एक कंट्री दैट इज नोन एज नेपाल, और ये क्या है, बफर स्टेट है, ठीक है. और इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है, बफर स्टेट का इंपॉर्टेंस, ठीक है. बफर स्टेट का इंपॉर्टेंस ये होता है कि हर कंट्री, ये वाली कंट्री चाइना और इंडिया दोनों चाहेगी कि हम इसके ऊपर कंट्रोल बनाए, ठीक है. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नेपाल जो है दैट इज इन द लैप ऑफ द हिमालयस, हिमालयस की लैप में है ना, पहाड़ पर है ये नेपाल, ठीक है. तो नेपाल जो है पहाड़ी एरिया है, ठीक है, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी नहीं है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज लैंडलॉक्ड कंट्री, लैंडलॉक्ड कंट्री है मतलब दो कंट्री के बीच में फंसा हुआ तो है, पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सी का एक्सेस है. सी का एक्सेस या तो उसको इंडिया से मिलेगा या चाइना से मिलेगा, और 90% जो उसका एक्सेस है वो इंडिया के थ्रू ही है ना भाई. नेपाल क्या करेगा, नेपाल को अगर मान लो इंडियन ओशन में जाना होगा तो नेपाल तो हाथ पे हाथ धरी बैठा है जब तक इंडिया उसको अलाउ नहीं करे. तो इंडिया के थ्रू वो इंडियन ओशन में जाता है. और नेपाल का यह है कि 90% जो डिपेंडेंस है पूरे की पूरी एक्सेस के लिए वो क्या है, भारत के ऊपर है. तो नेपाल एक ऐसा कंट्री जो कि इंडिया और चाइना के बीच में बैठा हुआ कंट्री है. पर नेपाल जो है ना उसको अगर आप देखोगे ना, अगर ये एक बंदा है नेपाल, तो ये ना जबरदस्ती के चंट बंदे नहीं होते जो जबरदस्ती का दिमाग लगाते हैं, चंट बंदे, सब काम ठीक से चल रहा हो फिर भी उनको कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है, वैसा नेपाल बिहेव करता है. और नेपाल को पता है कि भाई मेरा इंपॉर्टेंस बहुत है, क्योंकि चाइना एक एग्रेसिव नेशन है, ठीक है, और इंडिया और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट है. तो अगर चाइना का कंट्रोल मेरे ऊपर हो गया, नेपाल सोचता है मेरे ऊपर हो गया, तो इंडिया क्या करेगा, इंडिया बहुत देर डर जाएगा, ठीक है. तो फिर नेपाल इसलिए इंडिया को हमेशा चाइना कार्ड दिखाता है. चाइना कार्ड दिखाना मतलब क्या है कि हमेशा कहता है कि भाई मेरा ये काम करो नहीं तो मैं चाइना की तरफ जा रहा हूँ, है ना, ऐसा दिखाता है. क्योंकि नेपाल को यहाँ पर क्या है, देखो नेपाल की सेम, नेपाल जैसे लोकेशन है वैसी लोकेशन भूटान की भी है, पर नेपाल और भूटान में ये अंतर है कि नेपाल हमेशा इंडिया को एक तरह से चाइनीज कार्ड दिखाता रहता है, चाइना कार्ड दिखाता रहता है. दूसरा, नेपाल ये बोलता रहता है पूरे वर्ल्ड को कि इंडिया जो है ना हमारे ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करता है, इंडिया एक बड़ा राष्ट्र है और हम पे डोमिनेट करने की कोशिश करता है, राइट.
तो नेपाल के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है, वो हमको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, समझ में होनी होगी, ठीक है, समझ में आनी होगी। और यही चीज जो होंगी इसकी बेसिक स्ट्रक्चर बनाएगी। आप देखते हैं नेपाल हमेशा चिल्लाता रहता है कि भाई इंडिया ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इंडिया ने, आप देखेंगे हमेशा देखेंगे कि नेपाल के अंदर ये प्रॉब्लम रहती है। तो वो प्रॉब्लम कहाँ से आई है ये हम समझेंगे, है ना, वो प्रॉब्लम सही है या फिर नेपाल बनाता है या पहले कभी नेपाल के अंदर हमारा इन्फ्लुएंस रहा है, ये हम इसके अंदर समझेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। हम ये भी समझेंगे नेपाल के साथ हमारे इश्यूज क्या क्या है, ठीक है, नेपाल के साथ साथ अगर हम नेपाल के अंदर देखेंगे तो नेपाल के साथ कोई हमारा बहुत बढ़िया रिलेशन नहीं है, ठीक है, अगर हम कहें कि एवरेज रिलेशन दैट विल बी द गुड वर्ड, ठीक है, पर हमारा गुड रिलेशन नहीं है। भूटान के साथ अगर हम रिलेशन की रेटिंग करें तो हमारा गुड रिलेशन में आ जाएगा, पर नेपाल के साथ रेटिंग करेंगे तो एवरेज रिलेशन चलेगा, बिकॉज नेपाल हमेशा क्या, जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया को हमेशा ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, चाइना कार्ड दिखाने की कोशिश करता है और हमेशा कहता है कि मैं चाइना की तरफ चला जाऊंगा, राइट। अब देखिए नेपाल की टैक्टिक्स है ना, इसमें सबसे बड़ा हर्डल ये है कि नेपाल है ना इंडिया को छोड़ नहीं सकता, ठीक है, नेपाल इंडिया को क्या कर सकता है, छोड़ नहीं सकता, राइट, क्यों, क्योंकि नेपाल अगर इंडिया को छोड़ देगा तो उसकी कनेक्टिविटी बिगड़ जाएगी, क्यों सर, चाइना के थ्रू कट जाएगा, चाइना की गोदी में चल जाए सर, चाइना तो पूरा कनेक्टिविटी दे देगा उसको, है ना सर, चाइना तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी बड़े बड़े बना देगा, आराम से कनेक्टिविटी होगी चाइना के साथ, क्या दिक्कत है। दिक्कत यह है कि बीच के अंदर एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री है और वो बाउंड्री बहुत ही खतरनाक है, दैट इज हिमालय, है ना, समझ में आ रहा है, यहां पर हिमालय है, अभी हम समझ रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, सब डायमेंशन समझो, ये सारी डायमेंशन आपके काम आएगी। अब हिमालय होने से यहाँ पर क्या है कि नेपाल कभी भी चाइना की तरफ जा नहीं सकता चाहकर भी, ठीक है, क्योंकि पहाड़ों को खोद के रास्ते बना दे ऐसा नहीं है, ठीक है, बड़े बड़े हिमालय है, बड़े बड़े पर्वत है यहाँ पर, राइट, और कभी भी नेपाल का ये दिक्कत है कि नेपाल कह तो देता है कि मैं चाइना के पास जा रहा हूँ, पर चाइना के पास जाने का उसके पास कोई साधन नहीं है, प्लस कोई भी इस तरह की चीज नहीं, बिकॉज ज्योग्राफिकल हर्डल इज देयर, ज्योग्राफिकल हर्डल इज। अच्छा, इंडिया की तरफ देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है ना, दैट इज नोन एज प्लेन एरिया, ठीक है, प्लेन रीजन, ये वाला जो रीजन है वो प्लेन रीजन है, इंडिया में आराम से जा सकता है, पर यहाँ पे पहाड़ आ जाते हैं। तो अब क्या सीन बनता है, ये देखो नेपाल हमसे कहता है कि हमारा ये काम करो, हम कहते हैं कि यार ये काम तो नहीं हो पाएगा, नेपाल कह रहा है मैं जा रहा हूँ कहाँ पर, चाइना, ठीक है, पर ये सबको पता है कि चाइना के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे ग्रेट हिमालय आ जाते हैं, राइट, और ये हमारे लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। और जब भी नेपाल रूट के हमसे जाता है, ठीक है, कि हम चाइना के पास जा रहे हैं, तो उसको लौट के वापस आना ही पड़ेगा, ठीक है, उसको वापस लौट कर आना ही पड़ेगा। दैट्स वाई नेपाल और इंडिया का रिलेशन इज नोन एज लिप एंड टीथ रिलेशन, है ना, ये समझो, लिप एंड टीथ रिलेशन, लिप एंड टीथ रिलेशन। सब बच्चे एक एक्सरसाइज करेंगे, अपने लिप को अपने टीथ से दूर रखो थोड़ी देर के लिए, कितनी देर तक रख पाते हो, ज्यादा समय तक नहीं रख पाओगे, इसी तरह से क्योंकि लिप को वापस आना है टीथ के पास ही, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे टीथ कौन है, यहाँ पे इंडिया है टीथ, ठीक है, और लिप कौन है, नेपाल। तो लिप एंड टीथ रिलेशन का मतलब ये होता है, लिप एंड टीथ रिलेशन का मतलब यू कैन नॉट गो बियॉन्ड लिमिट, ठीक है, एक लिमिट के बियॉन्ड नहीं जा सकते आप, आपको लौट कर वापस ही आना पड़ेगा, इंडिया ही आपको एक्सेस प्रोवाइड करेगा। चाइना तो इतना बड़ा कंट्री, इतना बड़ा सा, देखो चाइना के अंदर अगर हम बात करें इसके अंदर, तो चाइना बहुत सारा बड़ा सारा कंट्री है, ठीक है, अगर चाइना उसको एक्सेस प्रोवाइड करे इंडियन ओशन का, तो कैसे उसको एक्सेस प्रोवाइड करेगा कि नेपाल जाएगा, पहले तिनजान पोर्ट है यहाँ पर, यहां तक जाएगा और फिर ऐसे घूम के मलाका स्ट्रेट से जाके फिर इंडियन ओशन जाएगा। तो चाइना तो जाकर भी वो चाइना के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्री। दैट्स व्हाई इंडिया और नेपाल रिलेशन नोन एज लिप एंड टीथ रिलेशन, कि नेपाल चाहे तो कितना भी चाहे दूर जाए पर जा नहीं सकता है, समझ में आ रहा है। और इसको है ना इस तरह से भी बोल सकते हैं कि इंडिया इज जस्ट लाइक ए, इंडिया और नेपाल का रिलेशन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस तरह भी डिफाइन करते हैं, इंडिया इज जस्ट लाइक ए हस्बैंड एंड नेपाल इज वाइफ एंड चाइना इज इज मदर सोम माइका, समझ में आ रहा है। तो आप कभी भी कोई चीज मनवानी होती है हस्बैंड से तो बोलते या तो ये करो नहीं तो मैं माइके चली जाऊंगी, पर माइका इज नॉट द रियल होम, ठीक है, लौट के वापस किसके पास आना पड़ेगा, इंडिया के पास आना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। इस तरह से हमको क्या करना चाहिए, हमको ये रिलेशन समझ में आना चाहिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने इसके अंदर समझ में आना चाहिए, राइट। तो एक वो गाना भी है ना कि मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, ठीक है, तो उसके अंदर ये क्या है, उसके अंदर आप ये समझिए कि मायके जाने के बाद लौट कर वापस किसके घर आना पड़ेगा, हस्बैंड के घर ही आना पड़ेगा, ठीक है, कितने दिन तक रुक सकते हैं, समझ में। इसी तरह से नेपाल और चाइना का रिलेशन है, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, बिकॉज यहाँ पर बच्चों माउंटेन्स है,
ठीक है, तो एक हमारे दिमाग में ये बात तो रखनी चाहिए कि नेपाल और इंडिया का रिलेशन जो है दैट इज व्हाट, कि वो बियॉन्ड लिमिट तक नेपाल इंडिया को अपोज नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा कह सकता है मैं चाइना की तरफ चल रहा हूं, पर एक्सेस के लिए नेपाल को इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट ही रहना पड़ेगा, दैट ये इसकी मजबूरी समझो, या ये इसका इस तरह का नेचर, ये इसका मजबूरी समझो, या फिर आप ये समझिए कि इंडिया जो है अगर नेपाल के अगेंस्ट में हो गया तो इसमें नेपाल को ज्यादा खतरा है। ठीक है, बट नेपाल को एक भगवान ने एक और क्वालिटी दी है। ठीक है, क्या क्वालिटी दी? इट इज ए बफर विद अ कंट्री दैट इज वोलेटाइल टुवर्ड्स इंडिया। ठीक है, इसलिए नेपाल का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बना है। समझ मारा? यहाँ पे अगर मान लीजिए बांग्लादेश होता तो इतना ज्यादा इंडिया भी नेपाल को कैटर करता नहीं, पर नेपाल की इधर कौन है? चाइना। और कभी भी चाइना और नेपाल मिलके हमारे साथ खेला कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इंडिया इज ऑलवेज कॉशियस टुवर्ड्स नेपाल। नेपाल के बहुत सारे टेंट्रम्स भी इंडिया सहन करता है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन होता है, वैसा ही इसके अंदर कुछ होता है। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एनीबॉडी हैज एनी डाउट? पहली लाइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम नेपाल और इंडिया के रिलेशन में कर रहे हैं, दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज लिप एंड टीथ रिलेशन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर इस तरह से बोला है। यस, उज्ज्वला प्लीज। सर देन, हेलो, एम आई ऑडिबल? सर देन इंडिया क्यों मतलब नेपाल की विश फुलफिल करता है अगर हमारे बिना उनका अगर कुछ होने वाला नहीं? अभी बिल्कुल, अभी एक मैंने बोला द फर्स्ट लाइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हम धीरे 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 हम पूरा पूरा डायमेंशन पढ़ेंगे ना, बस अभी हमको ये समझ में आना चाहिए कि लिप एंड टीथ रिलेशन का मतलब क्या है, और नेपाल किस तरह से इंडिया को चाइना, नेपाल इंडिया को चाइना कार्ड दिखाता है, किस तरह से दिखाता है, आई विल लेट यू नो। और नेपाल जो है इंडिया को ये भी बोलता है कि इंडिया इज अ डोमिनेटिंग कंट्री। ठीक है, और नेपाल अगर चाहे चाइना की तरफ जाना तो भी नहीं जा सकता, ये अपन ने कुछ इसके अंदर इस तरह की चीजें बताई। धीरे 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 हम पूरी पूरी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। फॉर अ पॉइंट ऑफ मोमेंट बिकॉज आपने पूछा है, तो अपन ये बताएं कि देखिए अगर चाइना और नेपाल एक हो जाए, मान लीजिए चाइना जो है वो कहे कि भाई नेपाल आप हमें अलाउ करें, और चाइना यहाँ पर कुछ कुछ नेपाल को जमीन दे दे, ठीक है, यहाँ पर नेपाल चाइना को जमीन दे दे यहाँ पर, तो इट विल बी वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर इंडिया, राइट और नॉट उज्ज्वला? है ना, yes. है ना, कि नेपाल कहे कि भाई आप यहाँ पर रोड बना लो आराम से और यहाँ पर रहो, ना, जैसे कि हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका दे देता है। तो दैट्स व्हाई टू सिक्योर इंडियाज बॉर्डर इंडिया को नेपाल के टेंट्रम्स भी सहन करने पड़ेंगे, राइट, और करता भी है, पर हम बताएंगे कि किस तरह से हमारा रिलेशन आगे बढ़ा है, और फ्रॉम वेरी बिगिनिंग हम किस तरह से नेपाल के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश भी करें, ये भी हम इसके अंदर पूरा समझेंगे। ठीक है, अभी फॉर अ मोमेंट ऑफ टाइम हमको अपना डिस्कशन यहाँ पर रखना पड़ेगा, अब धीरे धीरे हम चलते हैं। राइट, अब देखो जब इंडिया को आजादी मिली 1946-7 के अंदर, ठीक है, नेपाल से, नेपाल तो बहुत पहले से आ जाता है ना, 1800s के अंदर से इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, ब्रिटिश इंडिया भी उस तरफ गया नहीं। राइट, तो 1947 के अंदर जब भारत को आजादी मिली तो नेपाल के अंदर कुछ तीन पावर ब्लॉक्स थे, थ्री पावर ब्लॉक्स वॉज देयर इन द नेपाल। एक थे राणास, एक था उनका किंग, और तीसरे थे डेमोक्रेट्स। इंडिया को इस तरह का नेपाल मिलेगा, 1947 की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम समझ रहे हैं। राणास, किंग एंड डेमोक्रेट्स, ये तीन पावर सेंटर रहेंगे, जिसमें राणा जो थे ना वो ऑटोक्रेटिक रूलर थे, जिन्होंने किंग जो थे, ठीक है, किंग जो है उनके ऊपर कब्जा कर रखा है, ठीक है, मतलब किंग को एक तरह से नॉमिनल हेड बना रखा है। अच्छा, राणास नहीं थे, राणास बहुत पुराने लोग थे, ठीक है, 1800 से यहाँ पर राणास थे, उससे पहले किंग रूल करता था, और किंग का बहुत अच्छा एक संबंध था किसके साथ, प्रजा के साथ, है ना, मोनार्की चलती थी पहले, ठीक है, पर फिर यहाँ पर एक तरह से नॉमिनल हेड बन जाएगा किंग, और राणास जो होंगे ऑटोक्रेटिक रूलर्स, वो सदियों से वही चलते आ रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा जो है वो डेमोक्रेट्स है। डेमोक्रेट्स क्या चाहते हैं? डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी है, ठीक है, इस वक्त जब भारत आजाद मिलेगा तो यहाँ पर एक पार्टी है नेपाली कांग्रेस, वो डेमोक्रेट्स, ठीक है। तो मतलब तीन चीजें हैं, राणास जो कि एक ऑटोक्रेटिक रूलर है बच्चों, नॉमिनल किंग है जो कि एक नॉमिनल रूलर है, और यहाँ पर जो किंग का नाम है वो है किंग त्रिभुवन, ठीक है। बस इस कहानी को समझ ले, इसको समझ ले, जिससे कि आपको नेपाल और इंडिया का रिलेशन समझ में आ जाए, राइट। और ये पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला पार्ट अपन कवर कर रहे हैं, ठीक है, है ना, पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला पार्ट, कि भाई भारत को आजादी मिली उसके बाद वाला जो पार्ट है ना, वो बहुत सारा पार्ट अपन कवर कर लेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। तो आपको ऑलमोस्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस का इकोनॉमिक डायमेंशन कर लेना, बस पॉलिटिकल और ये सब चीजें डायमेंशन तो मैं आपको बता रहा हूँ,
ना, इंटरनेशनल रिलेशन में ही कवर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो नॉमिनल किंग जो है वो है त्रिभुवन, और यहाँ पे डेमोक्रेट्स नेपाली कांग्रेस बोलते हैं, राणास का ऑटोक्रेटिक रूल यहाँ पर चल रहा है। डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि डेमोक्रेट्स चाह रहे हैं कि हम नेपाल के अंदर किसी तरह से डेमोक्रेसी लेकर आए, ठीक है, डेमोक्रेट्स चाह रहे हैं। राणास कह रहे हैं कि नहीं भाई, हम तो ऑटोक्रेटिक रूल करेंगे, ऑटोक्रेसी लेकर आ रहे हैं, मतलब इनके सामने कोई बोल नहीं सकता, है ना, और लोगों को ज्यादा राइट्स नहीं। और किंग को बोल रखा है ठीक है, तुमने इतने दिनों तक सेवा करी लोगों की, तो तुमको नॉमिनल हेड बना देते। अब यहां पर एक नेपाली सिटीजन लेते हैं अपन, ये नेपाली सिटीजन है, ठीक है। तो नेपाली सिटीजन को अगर हम देखें तो ये क्या चाहता है, नेपाली सिटीजन क्या चाहता है कि तीन पावर सेंटर है। नेपाली सिटीजन ये चाहता है कि भाई राणा के ऑटोक्रेसी खत्म हो और हमें किंग जो है रूल चाहिए, किंग का रूल चाहिए, बिकॉज किंग हमारा वेलफेयरिज्म फैलाता है। हमने बहुत किस्से सुन रखे हैं कि जब किंग हुआ करते थे तो प्रजा कितनी अच्छे से रहते थे, राइट। डेमोक्रेट्स यहाँ पर चाहते हैं कि डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि हम डेमोक्रेसी लेकर आए, किसी भी तरह सिस्टम के अंदर डेमोक्रेसी हम लेकर आए, ठीक है। तो नेपाल का सिटीजन क्या चाहता है, नेपाल का सिटीजन चाहता है राणा की ऑटोक्रेसी खत्म हो और किंग को हम लेकर आए, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि तीन पावर सेंटर्स थे, ठीक है। एक तरह से हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट और रियल पावर किसके हाथ में थी, राणा के हाथ में थी। डेमोक्रेट्स चाहते थे कि यार ऑटोक्रेसी हटे और डेमोक्रेसी आनी चाहिए, मोनार्की भी हटे और डेमोक्रेसी आनी चाहिए, और यहाँ पर किंग हो गए, जो किंग जो होंगे, राजा, हमारा राजा, लोग बाग इसके प्रति बड़ी सेंटिमेंट है। पर ऐसा लगता था कि किंग को दबा के रख रखा है राणा ने, और एक तरह से नॉमिनल हेड बना रखा है, किंग को ये छुड़ाना चाहते थे, इस तरह से यहाँ पर सिस्टम चलेगा, ठीक है। तो अब ठीक है, ये कंट्री सर। अच्छा सर, इसमें भारत क्या सोच रहा है, भारत क्या सोच रहा है, भारत किसको चाहता है, भारत चाहता है डेमोक्रेट्स। डेमोक्रेट्स, एक डेमोक्रेट्स का रीजन क्या है, एक तो ये है कि भारत हमेशा अपने नेबरिंग कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी फैलाने की बात करेगा कि डेमोक्रेसी जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, वन ऑफ द फॉरेन पॉलिसीज भी हमारे डेमोक्रेसी हमको लेकर आनी चाहिए। और डेमोक्रेसी होती है तो वो चीज स्टेबल रहती है और उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। मोनार्की रहेगी तो भी दिक्कत है, कॉन्स्टिट्यूशन वो सॉरी ऑटोक्रेसी रहेगी तो बहुत दिक्कत है, लोगों का बहुत प्रॉब्लम होता है, राइट। तो यहाँ पर अपन इसके अंदर ये चीज समझ, राइट। तो भाई तीन पावर सेंटर है, ये राणास है, ठीक है, किंग है, और यहाँ पर कौन है, डेमोक्रेट्स है, डेमोक्रेट्स। और डेमोक्रेट्स ने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कांग्रेस को इसलिए भी पसंद है डेमोक्रेट्स क्योंकि कंधे से कंधा मिलाकर इन्होंने हमारी लड़ाई लड़ी थी, आजादी की लड़ाई, ठीक है। और यहाँ पर नेपाली कांग्रेस इज देयर, राइट, जो कि अभी प्रेजेंट के अंदर मेजोरिटी गवर्नमेंट के अंदर। नेपाली सिटीजन समझ रहा है कि भाई हमारा, हमको किंग चाहिए, राणास की ऑटोक्रेसी खत्म है, बहुत मारते हैं और ये ऑटोक्रेटिक रूलर है। भारत ये सोच रहा है कि भाई हम डेमोक्रेट्स को किसी तरह सिस्टम के अंदर लाएं तो मजा आ जाए। अब भारत डोमिनेट करना चाहता है इसके ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर, चाइना, नेपाल के ऊपर, बिकॉज नेपाल इज ए बफर स्टेट और चाइना और इंडिया के बीच में एक बफर स्टेट। अब देखिए अब क्या होता है, धीरे धीरे एक पॉपुलर प्रेशर क्रिएट होता है, एक पॉपुलर प्रेशर क्रिएट होता है कि किसी तरह से इन राणास को हटाए, राणास को हटाए। और ये जो किंग होते हैं त्रिभुवन, वो भी राणा के अगेंस्ट में विरोध स्टार्ट कर देते हैं और राणास जो होंगे इनके खून के पास हो जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा कि त्रिभुवन जो होंगे इंडिया में जाकर, भारत में जाकर शेल्टर ले लेंगे, इंडिया में जाकर शेल्टर ले लेंगे, इंडिया अपने प्लेन्स भेजेगा, नेपाल के बॉर्डर क्रॉस करेंगे, उनकी पूरी फैमिली इधर आ गई, समझ में आ गया। और इंडिया यहां पर नेपाल के लोगों के साथ मिलकर इन राणास को हटा देगा, इन राणास का रूल खत्म कर देगा, समझ में आ रहा है कि इंडिया यहाँ पर एक तरह से बहुत ही डिसाइसिव रोल प्ले करेगा और नेपाली सिटीजन्स के साथ मिलकर, जैसे कि अपन ने बांग्लादेश के अंदर करा था वैसे कुछ यहाँ पर होगा, पर यहाँ पर बैक ऑफ द सीन रहेंगे हम, ठीक है। हम हमेशा बैक ऑफ द सीन रहेंगे कि हमने कुछ नहीं करा, यहाँ पे नेपाल के लोगों ने सब कुछ करा, राणा को हटा दिया और इंडिया ने इनकी किंग को प्रोटेक्ट करके रखा था यहाँ पर, और किंग को वापस से एस्टेब्लिश यहाँ पर कर दिया जाता, ठीक है, त्रिभुवन। अब है ना, तो यहाँ पर देखें जी, व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, नेपाल वॉज रूल्ड बाय किंग नॉमिनली बट इन इफेक्ट बाय द राणाज ऑटोक्रेसी। पॉपुलर प्रेशर डेवलप इन द नेपाल फॉर एन एंड टू राणाज रूल एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का एस्टेब्लिशमेंट हो। और यहाँ पर हम देखेंगे इंडिया हेल्प नेपाल, ठीक है, नेपाल की हेल्प करता है इंडिया, है ना, और इसके अंदर नेपाल की हेल्प किसी तरह से करता है नेपाल की पॉलिटी को चेंज करने के लिए, ठीक है, फ्रॉम राणास ऑटोक्रेसी टू डेमोक्रेटिक सिस्टम मैंडेटरी विद इंडिया, समझ में आ रहा है। अब किंग त्रिभुवन जो थे, ठीक है, त्रिभुवन नाम के किंग है, वो तो क्या है, वो तो भाई इंडिया के बिल्कुल एक तरह से इंडिया के लॉयल है,
वो बोल रहे हैं कि भैया तुम ही हो और तुम्हारे अलावा कोई है नहीं। अच्छा, यहाँ पर किस तरह का सिस्टम होता है, किंग रहेगा और यहाँ पे गवर्नमेंट्स रहेगी, ठीक है, जो भी नेपाली कांग्रेस थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यहाँ पे बन जाएगी, है ना, डेमोक्रेसी के थ्रू एक गवर्नमेंट यहाँ पे बन जाएगी। इसको बोला जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यहाँ पे किंग का इफेक्टिव रोल तो है, बट इसके साथ साथ कुछ और पार्टीज भी यहाँ पर है जो कि यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर करेंगे, डेमोक्रेटिक सिस्टम भी बनेगा बट किंग इज द हेड ऑफ द सिस्टम, ठीक है, किंग ही हेड होगा सिस्टम का, इसके अंदर इस तरह से देखा है, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इस तरह से चीजें होंगी। अब इसके बाद हम चाहते नहीं थे कि हम किंग को करें, पर पॉपुलर प्रेशर ऐसा था, प्लस उस वक्त ऐसा राणास की ऑटोक्रेसी के अगेंस्ट में किंग को खड़ा कर हमने क्या करा, राणास को तो हटाया, पहला दुश्मन नंबर वन तो हटाया। अब किंग जब त्रिभुवन बने तो त्रिभुवन तो बहुत इंडिया के कर्जदार हो गए कि भाई तुमने ही बचाया हमको, ठीक है, तुम तो हमको एक कैप्टिविटी में से निकाल कर लेकर आ गए। और यहां पर क्या होगा, एक डेमोक्रेटिक टाइप का सिस्टम यहां पर बन जाएगा। अब किंग त्रिभुवन जब का डेथ हो जाएगा तो आएंगे किंग महेंद्र, और किंग महेंद्र को ये चीज समझाए, ये चीज उनके दिमाग में आ जाएगी कि भाई इंडिया जो होगा वो मेरे को हटाना चाहेगा, बिकॉज इंडिया तो फाइनली किसको लेना चाहता है, डेमोक्रेटिक कांग्रेस को लेकर आना चाहता है, मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम लेकर आना चाहता है, तो मोनार्क को तो वो धीरे 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 वो हटा देगा। अब पिताजी जो थे, पिताजी तो उनके चरणों में पड़े थे, पिताजी तो कुछ कर नहीं पाए, किंग महेंद्र ने सोचा कि मुझे करना चाहिए। और सबसे पहले किंग महेंद्र क्या करेंगे, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे नेपाली कांग्रेस के डेमोक्रेट्स, समझ में आ रहा है, बीपी कोइराला, ठीक है, उनको हटा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किंग महेंद्र जो होंगे, देखिए त्रिभुवन की डेथ हो जाएगी और किंग महेंद्र विल बिकम किंग, ठीक है, और किंग महेंद्र पहला स्टेप ये उठाएंगे कि जो भी नेपाल का जो प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त, जो कि प्रो इंडियन थे, प्रो इंडियन प्राइम मिनिस्टर बीपी कोइराला, ठीक है, कोइराला, इसको हटाया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, इन दिसंबर 1960 किंग सैक्ड हिज प्रो इंडियन प्राइम मिनिस्टर बीपी कोइराला, क्योंकि अब किंग को ये लग जाएगा कि अब हमको क्या होगा, किंग महेंद्र ये सोचेंगे कि अब हमको इंडिया के अगेंस्ट में काम करना चाहिए, क्योंकि इंडिया जो होगा दैट विल सपोर्ट व्हाट, दैट विल सपोर्ट नेपाली कांग्रेस, और इंडिया कभी भी मोनार्क को पावरफुल नहीं बनने देगा। यहां तक की कहानी में कोई भी डाउट है छोटा सा भी, प्लीज लेट मी नो, ठीक है, बस कहानी की तरह सुनना है इसको, है ना, इस तरह से। सर इट इज रिलेटेड टू मनीषा कोइराला, आई डोंट नो अबाउट दैट, है ना, मनीषा कोइराला से रिलेटेड है क्या बीपी कोइराला, हो सकता है कुछ हो, एनीबडी नो देन प्लीज टेल अस। यस अभिषेक प्लीज। सर ये जो राणा थे ये भी मतलब क्या राजघराने वाले ये लोग थे, ये राणा राजघराने वाले नहीं थे, जैसे राणा हमारे यहाँ पे होते हैं ना राजपूत क्लैन, राणा वो ही राणा थे। अच्छा, और सर ये क्वेश्चन ये कि जो ये इन्होंने किंग ने जो सैक कर दिया प्रो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, हाँ, तो क्या ये तो सर मतलब डेमोक्रेटिक इलेक्टेड होंगे ना पीएम? हाँ, पीएम डेमोक्रेटिक, पर अभी देखेंगे किंग जो होगा वो पूरी डेमोक्रेसी को खत्म करके अपनी मोनार्की लेकर आ जाएगा, मतलब ये मास सपोर्ट, मास सपोर्ट के दम पे किया होगा पब्लिक के, बिल्कुल मास सपोर्ट किंग के पास था, तो किंग क्या करेगा, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना उसको हटा देगा और अपनी ही तरह की गवर्नमेंट लेकर आएगा, जिसको बोला जाएगा पंचायती, पंचायती सिस्टम, पंचायती सिस्टम वॉज नॉट पंचायती राज सिस्टम, पंचायती सिस्टम क्या है अभी अभी बताना है अभी, है ना अभिषेक ने, ठीक है, ठीक। हाँ देवयानी, वांट टू से समथिंग, देवयानी प्लीज। यस सर, दैट मींस द किंग इज नॉट द सिंबॉलिक हेड ना? King was symbolic head at the time of Tribhuvan, ठीक है, but King will collect his power again, ठीक है, King will take his power again, सारी power ले लेगा और democratic government को बिल्कुल खत्म कर देगा, है ना? तो हम यहाँ पे समझेंगे किंग महेंद्र, अभी तक हम ये समझाएं, देखो तीन पावर थी अभी तक जो समझे ना, मैं तुमको एक बार वापस बता देता हूँ, तीन पावर थी, एक तो थे राणास, ठीक है, राणास, एक थे किंग, ठीक है, और तीसरे थे अपने डेमोक्रेट्स, ठीक है, इंडिया चाहता है डेमोक्रेट किसी तरह से आ जाए, तो इंडिया क्या करेगा, राणास की ऑटोक्रेसी खत्म करके किंग त्रिभुवन को यहाँ पर एस्टेब्लिश कर देगा, और त्रिभुवन के, क्योंकि त्रिभुवन वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया, तो त्रिभुवन को कंप्लीट पावर नहीं मिलेगी, डेमोक्रेटिक सेटअप यहाँ पर होगा, और डेमोक्रेटिक सेटअप होगा तो उसके अंदर नेपाल कांग्रेस विल ऑल्सो बी देयर, ठीक है, और इंडिया यहाँ से अपना रूल चल रहा था, और यहाँ से यहाँ का एक प्राइम मिनिस्टर बनेंगे बीपी कोइराला, और बीपी कोइराला इंडिया के बहुत ही प्रो होंगे, इंडिया जो भी करना चाहता था नेपाल के अंदर कर सकता था उस टाइम पीरियड। पर यहाँ पर जो इनके बेटे होंगे किंग महेंद्र वॉज वेरी वेरी एम्बिशियस एंड वेरी वेरी नेशनलिस्ट ऑल्सो, और किंग महेंद्र को लग जाएगा कि भाई इंडिया का जो सपोर्ट है मेरे लिए नहीं, इंडिया का सपोर्ट इस वाले सेक्शन के लिए,
और इंडिया एक दिन मेरे को हटाई देगा ये उसको लगेगा। और किंग महेंद्र क्योंकि उसको पॉपुलर सपोर्ट था लोगों का कि लोग राजा के आगे नतमस्तक थे और पॉपुलर सपोर्ट के कारण वो क्या करेगा, ये सारे डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेसी सेटअप है उसको बिल्कुल हटा देगा और सारी पावर अपने हाथ में ले लेगा। ठीक है कैसे, और ये देखिए किंग महेंद्र ओवरथ्रोन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिसॉल्विंग द पार्लियामेंट इन 1960। बोले सब पार्लियामेंट ही 1960 के अंदर ही ये क्या करेगा, पूरी की पूरी पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देगा। ठीक है, और वो सारा पावर जो होगा वो एक्यूमुलेट कर लेगा अपने हाथ में। ठीक है, और उसके अंदर वो एक बहुत बड़ा एक मोनार्क बन जाएगा जो जिसको लोगों को सपोर्ट है। ठीक है, और एक पार्टी लेस सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेगा कि कोई पार्टी नहीं है, पार्टी लेस सिस्टम, कोई ये जो डेमोक्रेट्स वेमोक्रेट्स हैं ये सब घर में घुस जाओ, एक पार्टी लेस सिस्टम बनाएगा। ठीक है, और इसको बोला जाएगा पंचायती सिस्टम, पंचायती सिस्टम। दैट पंचायत सिस्टम वाज नॉट जस्ट लाइक ए पंचायत राज। पंचायत सिस्टम का मतलब क्या है कि जो गवर्नेंस होगा वो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में डिवाइड होगा, विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट और नेशनल पंचायत, इस तरह से होगा। और सबके ऊपर कंट्रोल जो रहेगा वो क्या किसका रहेगा, किंग का रहेगा। ठीक है, इस तरह का ये सिस्टम लेकर आएगा जिसमें पूरा का पूरा पावर वापस से किंग के पास आ गया, और ये सिस्टम 28 साल तक चलेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर देखेंगे, ही ट्राइड टू एक्युमुलेट पावर इनटू हिज ओन एंड एंड चेंज द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंट्रोड्यूस द पार्टी लेस पंचायत सिस्टम ऑन 5th January 1961। और ये कहा जाएगा कि भाई यहाँ पर रिफॉर्म्स हो रहे हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा एक गवर्नेंस देने की हम कोशिश कर रहे हैं, हम बिल्कुल टॉप डाउन अप्रोच रखेंगे जिसके अंदर सारी जो पावर का एक्यूमुलेशन होगा वो तो किंग के पास रहेगा पर लोगों की सुनी जाएगी। ठीक है, लोगों की बात सुनी जाएगी और फिर किंग उसके हिसाब से डिसीजन लेगा। कोई पार्टी नहीं है, ठीक है, कोई पार्टी नहीं है, एग्जीक्यूटिव कमिटीज होंगी दैट आर हेडेड बाय द किंग। ठीक है, और कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है, और इंडिया जो हुआ, इंडिया का बहुत अच्छा कंट्रोल बनता जा रहा था नेपाल पर, एकदम से इंडिया का कंट्रोल छूट जाएगा। अच्छा, कोई मेरे को समझ, कोई सोच के देखेगा कि इस किंग महेंद्र को, ठीक है, लोगों का तो सपोर्ट था, और किसका सपोर्ट होगा किंग महेंद्र को, चाइना का भी सपोर्ट होगा। राइट, समझ में आ रहा है? तो किंग महेंद्र को इंडिया का, इनके लोगों का सपोर्ट तो था ही, बट यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि ये बफर स्टेट है और इंडिया का इन्फ्लुएंस यहाँ पर बहुत ज्यादा होता जा रहा था, तो चाइना भी घबरा रहा है। तो चाइना इज समवॉट बिहाइंड द सीन्स हेल्पिंग किंग। और जो इंडिया ने इतना बुरा वो करा था, राणा के ऑटोक्रेसीज को हटाया था और ये सब चीजें हटाकर किंग को बिठाकर फिर डेमोक्रेटिक सेटअप एस्टेब्लिश करा था, क्योंकि उसको डेमोक्रेट्स पसंद है, डेमोक्रेट्स को इंडिया पसंद है। डेमोक्रेट्स होने का मतलब क्या है कि इंडिया की पकड़ नेपाल के ऊपर है। वो सब चाइना ध्वस्त कर देगा, किंग से बोलेगा कि भाई तुम पावरफुल बनो, जितना पावरफुल बनना है बनो, हम तुम्हारे साथ। ठीक है, और ये वाला सिस्टम तब हो रहा है जब हिंदी जीनी भाई भाई वाला कॉन्सेप्ट चरम सीमा पर है, पर फिर भी देखिए पॉलिटिक्स जो होगी वो इस तरह की चलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन 1961 अब क्या होगा, अब जब ये सब चीजें होंगी, ठीक है, तो अब आ गई घड़ी कि आप चाइना को थोड़ा कर्जदार जो चाइना के बन गए हैं उस चाइना के कर्ज को उतारा जाए। और चाइना के कर्ज को कैसे उतारा जाता है, इन 1961 ही ऑथराइज्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स फ्रॉम ल्हासा टू काठमांडू। ल्हासा से काठमांडू तक रोड बनाओ, मतलब कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं किसकी, इसके अंदर। अब कनेक्टिविटी जब बढ़ाएंगे इसके अंदर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब ये जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो यहाँ पर इंडिया को खतरा महसूस होगा। और वहां के उस वक्त जब माओ ज़ेडोंग थे वो बोलते हैं वंस दिस रोड्स आर ओपन, जब एक बार ये रोड बन जाएगी तो इंडिया आपको, और अब इंडिया आपको रेस्पेक्टफुल नजरों से देखेगा। अभी तो इंडिया आपको तिरस्कार नजरों से देख रहा है कि मैंने तुम्हें बनाया, अरे तुम काय के राजा हो, तुम्हारे पिताजी को हम ही छुड़ा के लाए थे। ठीक है, अब हम इस तरह से जब रोड बन जाएगी तो अब चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा आ रहा है। यही है कि भाई उसके ऊपर कौन इन्फ्लुएंस ज्यादा, कभी इंडिया का पलड़ा भारी हो जाएगा, कभी चाइना का पलड़ा भारी हो जाएगा, कभी नेपाल आप देखेंगे कि दोनों के साथ खेल रहा है, दोनों के जो बेनिफिट्स है वो ले रहा है। इस तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग इसके अंदर स्ट्रक्चर बनता है। एनी डाउट इन दिस वन, धीरे धीरे अपन को चीजें समझ में आती रही। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब देखिए, अंडर हिज डायरेक्ट रूल किंग महेंद्र इंट्रोड्यूस द 4-tiered स्ट्रक्चर, विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट एंड नेशनल पंचायत ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव कमेटी। लिमिटेड इलेक्टेड मतलब इलेक्टेड तो हो तुम, एग्जीक्यूटिव कमेटीज बने, पर सब कुछ कंट्रोल जो है किंग के हाथ में, सारी पावर तुम्हारे पास में किंग के हाथ में। महेंद्र कंसोलिडेटेड पावर बाय इंस्टीट्यूशनलाइज इनवोकिंग 3 pillars ऑफ द नेशनल आइडेंटिटी। नेशनलिज्म जो है, देखो महेंद्र जो होंगे, किंग महेंद्र नेपाल के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो किंग महेंद्र वॉज वेरी ग्रेट लीडर। नेपाली आज तक उनको समझते हैं कि भाई हमारे जो किंग हुआ था महेंद्र, ये बिल्कुल बाहुबली टाइप का
है ना, महेंद्र किंग है वो, बिल्कुल बाहुबली टाइप का किंग था, और हमको क्या करता था, हमको बहुत वेलफेयरिज्म में रखता था, और हमारे लिए वो इंडिया से भी लड़ मरा, ठीक है, और लोगों को बहुत उसने पावर दिया, उसने पंचायत सिस्टम भी लेकर आया वो, और उसके राज में तो भैया मजे ही थे। और वहां पर उसने, किंग ने कहा कि हम तीन चीजें एस्टेब्लिश करेंगे और उससे नेशनलिज्म जनरेट करा। सबसे पहले हिंदू रिलीजन, हिंदू रिलीजन एक इनका पिलर होगा, नेशनल आइडेंटिटी का, नेशनलिज्म जिससे जनरेट होगा कि वी हिंदू राष्ट्र, ठीक है। सेकंड नेपाली लैंग्वेज, हमको अपनी लैंग्वेज के ऊपर, तो इससे ये लोगों को क्या करेंगे, ये लोगों को यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोनार्की, ये एक तरह से मोनार्की को वो नेशनलिज्म से रिलेट कर देंगे। अब ये समझो, जो भी मोनार्की के अगेंस्ट में बोलेगा उसको क्या बोला जाएगा, एंटी नेशनल, समझ आ रहा है। और उससे कहेगा कि भाई जैसे हम कहते हैं ना, तुम तो एंटी नेशनल हो, तुम पाकिस्तान जाओ, ये बोलेंगे तुम तो एंटी नेशनल हो, तुम भारत जाओ, इंडिया जाओ, इस तरह का सिस्टम। तो वहां पर किंग महेंद्र अपने पर पावर एस्टेब्लिश करेगा, एक्यूमुलेट करेगा, और किंग महेंद्र वाज समवट अगेंस्ट इंडिया, समवट क्या, दैट इज प्रो चाइना एंड एंटी इंडिया। और किंग महेंद्र चाहेगा कि लोगों के नसों के अंदर ये भूल जाए कि हम भारत जो है हमारे अगेंस्ट में, हम भारत के अगेंस्ट में, जिससे कि भारत का डोमिनेंस खत्म हो और मेरा ये मोनार्की वाला सिस्टम चलता रहे, क्योंकि जैसे भारत का डोमिनेंस आएगा तो फिर डेमोक्रेट्स आ जाएंगे, नेपाली कांग्रेस वापस आ जाएगी, और हमारा रिलेशन उस वक्त बहुत ही नेगेटिव चल जाएगा, किसके साथ, नेपाल के साथ। और यहां पर आप देखेंगे, यहां से स्टार्ट होती है चाइना कार्ड खेलने की समस्या। इंडिया अगर थोड़ा सा भी, अगर इंडिया का जो स्टैटिक्स टैक्टिक्स है, अगर थोड़ा सा भी वो करने कुछ करता तो चाइना कार्ड खेल के बैठ जाते, चाइना एक और रोड बना दो ऐसे कह देते, इस तरह की चीजें होंगी, राइट। तो यहाँ पर देखिए कि अरोज एंटी इंडियन नेशनलिज्म एंड यूज टू प्ले चाइना कार्ड, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन करवाएंगे, बहुत सारे प्रदर्शन कराएंगे वर अगेंस्ट द इंडिया, एंड किंग महेंद्र डिमांड दैट इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड एंश्योर राइट्स ऑफ नेपाल। इंटरनेशनल कम्युनिटी को राइट्स ऑफ नेपाल का सिक्योर करना है। राइट्स ऑफ नेपाल क्या है, कि जब भी एक कंट्री होती है लैंडलॉक कंट्री, जो कि दो कंट्री उसके बीच में फंसी होती है, ये जैसे नेपाल है और ये इंडिया है, तो इंटरनेशनल लॉ ऐसा कहता है ना, कि बफर स्टेट को एक्सेस प्रोवाइड करना होगा, इन दोनों स्टेट्स को एक्सेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब अगर नेपाल कहीं बाहर जाना चाहता है तो ऑब्वियसली इंडिया के थ्रू ही जाएगा, ठीक है, इंडियन ओशन में जाता है तो इंडिया, तो इसको नेपाल का ये सोवरेन राइट है, ये सोवरेन राइट है कि उसको एक्सेस प्रोवाइड करे इंडिया। और नेपाल कहेगा कि भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहेगा कि इंडिया टाइम टू टाइम हमें मना करता है, और नहीं करता है तो भी कह देता है कि मना करता है, और उसके कारण हमें दिक्कत होती है, तो हमें हमारा राइट चाहिए, हमें अपने सोवरेन राइट हमें को चाहिए, और इस तरह से एक एंटी इंडिया फीलिंग जनरेट हो जाएगी, और उसको नेशनलिज्म से लिंक करके लोगों के नसों के अंदर घुसाने। अब चाइना को आ रहा था मजा, चाइना ने कहा यार भाई ये किंग महेंद्र है ना, जब तक मजे ले लो पूरा, और इसने खूब इनको इकोनॉमिक एड दिया, मिलिट्री एड दिया, ठीक है, आर्म्स वेपन्स की भी सप्लाई करी, और जो कि है ना एक इंडो नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी है, वो आगे चल के पढ़ेंगे, उसके हिसाब से नेपाल किसी से सर, इंडिया अपने रिलेशंस मोनार्क से भी तो अच्छे कर सकता था, पर मोनार्क से अच्छे इसलिए नहीं करता था क्योंकि इंडिया हमेशा, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है वो डेमोक्रेसी को प्रोपाउंड करने की, कि डेमोक्रेसी को हम बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, राइट, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, और नेपाल को पता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, और नेपाल जो है डेमोक्रेट से पहले से बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, फ्रॉम इंडिपेंडेंस के टाइम से, इंडिपेंडेंस के टाइम से बहुत अच्छा रिलेशन था, ठीक है। तो नेपाल जो होगा उसको पता है कि डेमोक्रेट्स जो होंगे दैट इज प्रो इंडियंस, और इंडिया इज प्रो डेमोक्रेट्स, और जब किंग महेंद्र बनेंगे तो किंग महेंद्र को भी ये पता है कि त्रिभुवन को जो छुड़ाया था और राणा की ऑटोक्रेसी खत्म गई थी, इतना जो इन्वेस्टमेंट करा इंडिया ने वो डेमोक्रेट्स को सेटअप करने के लिए ही करा है। पिताजी तो क्या है, पिताजी तो चरणों में गिरे थे, पर हम तो इंडिपेंडेंट है, हमें अपनी पावर वापस से रिगेन करनी पड़ी। तो एक ट्रेंड भी तो होता है ना, ट्रेंड सिस्टम के अंदर, ठीक है, तो वो ट्रेंड सबको समझ में आ रहा था, और इंडिया को ऐसा लग रहा था पहले कि किंग त्रिभुवन को बिठाएंगे और डेमोक्रेट्स को लेकर आएंगे, नॉमिनल की तरह बैठा रहेगा, डेमोक्रेट्स इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे, तो किंग महेंद्र देखा जा रहा है पिताजी ने जो गलती करी वो हमें नहीं करनी, ठीक है। हाँ, इज दिस क्लियर? अच्छा, कोई और भी क्वेश्चन पूछना चाह रहा था अभी किसी ने, नेहा, इज दिस क्लियर नेहा? ओके, एनीबडी वन, एनीबडी एल्स वांट टू आस्क एनीथिंग? किसी ने रेस करा था हैंड प्लीज, कुछ बोला? यस प्लीज अभिषेक।
सर यही मतलब जो नेपाल लैंडलॉक है इसलिए वो पासपोर्ट इंडिया से नेपाल में पासपोर्ट नहीं लगता, वही रीजन है क्या सर? वो अभी आगे चलकर बताएंगे ना, अच्छा इंडिया ओके सर, नेपाल सॉरी फ्रेंडशिप सॉरी ट्रीटी, उसके अंदर मैं बताऊँ। सर। ये बफर वाले में मतलब एक कंट्री दो से होनी चाहिए क्या? क्योंकि जैसे अफगानिस्तान ही टोटली लैंडलॉक है लेकिन पाकिस्तान उसको एक्सेस नहीं देता है इंडिया से इंपोर्ट करने के लिए, जैसा अभी आपने बोला ना कि नेपाल ने बिल्कुल राइट्स बिल्कुल, के। बिकॉज वो तो क्या है कि अब यहाँ पर देखो कि एक ये अफगानिस्तान है जैसे, है ना, और ये अपन पाकिस्तान है और ये इंडिया। अब इंडिया और पाकिस्तान का तो एक एनिमी स्टेट का रिलेशन है ना, मारा इंडिया और पाकिस्तान का तो एनिमी स्टेट का रिलेशन है भाई। ये तो कहेंगे कि भाई इंडिया वाले आएंगे हमारे यहाँ पे बम फोड़ देते हैं, वो हमारे यहाँ पे इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर देते हैं, तो पाकिस्तान को भी इंडिया यहाँ पर नहीं आने देता कि भाई हमारे यहाँ पर आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये जो चीज है ना, ये जो चीज है दैट इज अनदर थिंग, ये एनिमी स्टेट है। जब अगर मान लो युद्ध हो रहा है दो देशों के बीच में, ठीक है, दो देशों में एनिमी है तो एक दूसरे के अंदर नहीं आने दे रहे, वो है कि वो अच्छा सर, नॉर्मल रिलेशन है। हम लोग ये ऑफिशियली मानते हैं क्या? मतलब ऑफिशियल सेंस में कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा एनिमी स्टेट है बिल्कुल, जब हमारा जो वार हुआ है पाकिस्तान से उस वक्त तो हमने माना ही है, और तो अभी भी सर हम कह रहे हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो चलता ही है। बहुत लंबे समय तक तो हमने सर इनको पुलवामा अटैक के पहले तक तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग ही दे रखा था फिर मोस्ट एनिमी। फेवर्ड नेशन इज अनदर थिंग, दैट इज इकोनॉमिक डायमेंशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब नहीं है बहुत प्यारा देश हमारा, दैट इज इकोनॉमिक डायमेंशन, दैट इज नथिंग रिलेटेड विद द पॉलिटिकल डायमेंशन। समझ में आ रहा है अभिषेक? मोस्ट फेवर्ड नेशन नाम से ऐसा लगता है मोस्ट फेवर्ड नेशन है, ठीक है, पर दैट इज नथिंग कि भाई बहुत प्यारा देश है हमारा, ये हमारे से बहुत अच्छा रिलेशन है। आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप हमारे कैसे है, ठीक है, तो उसको मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस देना दैट इज ओनली फॉर द इकोनॉमिक डायमेंशन, पर इकोनॉमिक ट्रेड इतना होता भी नहीं है, और हमने ये बता रखा है कि हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज को सबको मोस्ट फेवर्ड नेशन देंगे, इसलिए नाम का एक मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस था। उसको हटाने से भी कुछ नहीं है, उसको लगाने से भी कुछ नहीं है अभिषेक, ठीक है सर, थैंक यू। है ना। एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? देखो कोई भी डाउट हो ना तो अंदर से बाहर निकाला करो, ठीक है, डाउट को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो इन मीन वाइल अब चाइना स्टार्ट एडवांसिंग सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक एड, मिलिट्री एड, और नेपाल को जो है पूरा का पूरा कंट्रोल करके रखे हो। और अब भारत को क्या लग रहा होगा, भारत को लग रहा होगा छन से जो टूटा सपना वाला कॉन्सेप्ट भारत के दिमाग के अंदर आ रहा होगा, ठीक है। भारत क्या सोच रहा है, भारत ये सोच रहा है कि भाई ये किंग महेंद्र जो है ना, इसने तो गड़बड़ कर रखी, और ये मानेगा भी नहीं, किंग महेंद्र मानेगा भी नहीं, क्योंकि ये इसको बिल्कुल क्लियर है, ही इज वेरी क्लियर इन हिज विजन कि हमको नेपाल को ग्रो करना है, ठीक है, और इंडिया को यहाँ पर नहीं लेके आना, इंडिया को यहाँ पर लेके आएंगे तो मोनार्की का संकट रहेगा, और मोनार्की को वापस से रिवाइव करने वाला भी किंग महेंद्र है, नेशनलिज्म की फीलिंग से ओत पोत, और नेपाल के अंदर डेवलपमेंट भी कर रहा है, और किंग का यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, ठीक है, राजा एक तरह से वेलफेयरिज्म वाला राजा है, और इसका हमारे लिए नुकसान ये है, हम अगर हमारे रेस्पेक्ट से देखें तो यहाँ पर चाइना जो है ये बहुत ज्यादा प्रो चाइना है किंग, और इसके कारण यहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, बफर स्टेट पर भी चाइना का कब्जा जाता है, और किंग इनको रोड बनाने भी दे रहा है कि रोड बनाओ आराम से, आओ अंदर आओ, इससे कि हमको क्या है इनसिक्योरिटी का फीलिंग आ रहा है। अब यहाँ पर उस वक्त थी इंदिरा गांधी, अगर हम देखें 1966 के 1965 के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने क्या करा, नेपाल के साथ कभी रिलेशन बिगड़ने नहीं, उनको पता है कि किंग महेंद्र है, जब तक रिलेशन अच्छा नहीं चलेगा, पर किंग महेंद्र जो है कभी तो मरेंगे, है ना, उनकी डेथ कभी तो कोई बाहुबली कोई आएगा, ठीक है, कटप्पा टाइप का आदमी है ना, वैसे मरेंगे कभी किंग महेंद्र, राइट। तो 1966 के अंदर इंदिरा गांधी नेपाल जाती है, और नेपाल में उनका कोई अच्छा स्वागत नहीं होता पर फिर भी जाती है, ठीक है, फिर एक और बार 1973 के अंदर भी नेपाल जाए, ठीक है। तो इंडिया कंटिन्यू टू परसिस्ट द पॉलिसी कि नेबरहुड पॉलिसी और मॉडरेट पॉलिसी जो है नेपाल की तरफ, कभी भी एंटी नहीं हुआ कि हम तुमको मार देंगे, तुमको हम मार देंगे, ये सब चीजें इस तरह एग्रेसिव नहीं हुआ, और डेवलपमेंट जो होगा, ठीक है, असिस्ट करेगा नेपाल को कि भाई तुम डेवलपमेंट करो। और यहाँ पर ये नेपाल के अंदर एक गलत सिग्नल ये भी चल जाएगा कि इंडिया जो है उसको अब अक्ल सिखाइए हमारे किंग महेंद्र, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर होगा, राइट। अब क्या होगा, 1972 के अंदर वो घड़ी आ जाएगी जिसको जिसका इंडिया को इंतजार था, उस घड़ी का नाम क्या है कि किंग महेंद्र की डेथ हो जाएगी, किंग महेंद्र की डेथ। अब किंग महेंद्र एक बहुत बड़े रूलर जिन्होंने वापस से क्या करा है, यहाँ पर मोनार्की को एस्टेब्लिशमेंट करा, डेमोक्रेसी को हटा के वापस से मोनार्की लेकर आए, तो उसका मरना मतलब उसके बाद जो भी किंग आएगा उससे कम ही आएगा, ठीक है ना। तो दूसरा जो आएगा मोनार्क आएंगे वो होंगे किंग बीरेंद्र, और किंग बीरेंद्र आए तो
किंग वीरेंद्र भी कंटिन्यू रखेंगे वही ट्रेंड जो कि किंग महेंद्र रखेंगे, पर क्योंकि महेंद्र जो राजा थे ना, महेंद्र राजा थे, उनका इन्फ्लुएंस लोगों पे बहुत ज्यादा था। अब धीरे धीरे जैसे किंग वीरेंद्र आएंगे तो लोगों का इन्फ्लुएंस लोगों पर कम रहेगा इनका, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये इतने अच्छे रूलर नहीं थे जितने कि किंग महेंद्र। महेंद्र के मरते हमने कहा कि अब आ गया हमारा टाइम और हम क्या करेंगे। और उसी टाइम पर अब ये समझना, महेंद्र के रहते हुए नहीं हुआ, किंग वीरेंद्र जब आया तो बहुत सारे डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स चलने लग गए कहां पर, नेपाल के अंदर। तो आप सोच कर देख सकते हैं इन डेमोक्रेटिक मूवमेंट के पीछे किसका हाथ होगा, बताए? इंडिया का होगा। क्यों होगा? पहले तो नहीं था क्योंकि पहले किंग महेंद्र थे तो वहां पर डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सवाल ही नहीं होता था। तो यहां पर आप देखिए क्या होगा कि इन 1972 किंग महेंद्र डाइड एंड किंग वीरेंद्र केम टू द पावर, ठीक है। ड्यूरिंग हिज टाइम ऑल्सो रिलेशन वॉज ट्रबल्ड बट डेमोक्रेटिक मूवमेंट स्टार्टेड इन नेपाल। मतलब जैसे ही किंग महेंद्र का डेथ हुआ इंडिया ने वापस अपना अप्रोच बढ़ाने लगे, ठीक है। और एक पीपल्स मूवमेंट आ जाएगा, डेमोक्रेटिक मूवमेंट, कि हमको डेमोक्रेसी चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, हमको डेमोक्रेसी चाहिए। और फाइनली किंग वीरेंद्र जो होगा उनको झुकना पड़ेगा और ये पूरा डेमोक्रेटिक मूवमेंट वॉज सपोर्टेड बाय इंडिया। समझ रहे? तो अब देखो तुम स्टार्टिंग से देखो, अगर आप देखो देखो कि नेपाली जो सिटीजन है वो क्या सोचेगा, ये समझने की कोशिश करना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द एक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, राइट। कि सबसे पहले इन्होंने किंग को छुड़ाया पर किंग को पूरी पावर नहीं दी और डेमोक्रेट्स को बिठाया, ठीक है सर सिस्टम। फिर हमारा राजा आया और राजा ऐसा राजा, हमारा प्यारा राजा महेंद्र आया और महेंद्र ने पूरी पावर ली। और ये महेंद्र का के सामने कुछ बोलते नहीं थे किंग के सामने, इतना अच्छा किंग हमारा था राजा महेंद्र, ठीक है। बाहुबली किंग था ये, एक तरह से महेंद्र बाहुबली था, राइट। पर अफसोस कि 1972 के अंदर महेंद्र बाहुबली की डेथ होगा और यहाँ पर वीरेंद्र आएंगे और वीरेंद्र के आते ही ये इंडिया वाले लोग वापस से डेमोक्रेसी लाएंगे और डेमोक्रेसी लेकर आने की कोशिश करेंगे। और किंग वीरेंद्र जो होंगे उनको झुका दिया जाएगा और वापस डेमोक्रेसी। अब आम नेपाली सिटीजन जो होगा वो क्या सोचेगा कि इंडिया हमेशा हमारे ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करता है। सुनो, आम नेपाली सिटीजन ये समझेगा कि इंडिया के कारण ही किंग वीरेंद्र के को हटाकर हमको डेमोक्रेसी लेकर आना पड़ा। आम आदमी ऐसा समझेगा कि भाई इंडिया जो है, क्योंकि महेंद्र ने तो बता के गए, अच्छा बीच में जो इनके प्यारे राजा थे इनको बता के गए थे कि भारत बहुत ही खराब देश है, भारत हमारे ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करता है, चाइना। अच्छा, तो आम नेपाली ये सोचेगा कि भाई भारत जो है दैट इज व्हाट, दैट इज अगेंस्ट नेपाल्स डेवलपमेंट, अगेंस्ट नेपाल प्रोग्रेस, हमारे किंग महेंद्र कहके गए। और इस तरह से आप देखेंगे कि भारत के खिलाफ एक एंटी इंडियन फीलिंग जनरेट हो जाएगी किसके अंदर, नेपाली लोगों, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से होगा और यहां पर आप देखेंगे कि डेमोक्रेटिक मूवमेंट स्टार्ट होगा और डेमोक्रेटिक मूवमेंट स्टार्ट होते हैं किंग वीरेंद्र जो होंगे एक्सेप्ट करेंगे क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड एस्टेब्लिश ए मल्टी पार्टी। वापस से एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है ना 22 साल बाद, ठीक है ना, 28 साल बाद पार्लियामेंट विद द किंग एज द हेड ऑफ द स्टेट एंड एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर, एक एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर को बनाया जाएगा, ठीक है। एंड मे 1991 के अंदर क्या होगा, नेपाल हैड इट्स फर्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन। 1991 आते ही नेपाल के अंदर पहला पार्लियामेंट्री इलेक्शन यहाँ पे लड़ा है, ठीक है। अब क्या होगा, अब चाइना को दिक्कत आएगा, चाइना सोचेगा भाई अब क्या करें, ये तो क्या हो जाएगा, ये तो इस तरह से इसके अंदर हमारे जो है हमारे ऊपर ये तो उस तरह कर रहे हैं। तो 1991 के अंदर जब यहाँ पर पार्लियामेंट्री इलेक्शन होगा और 1991 के अंदर वापस से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाएगी तो अब चाइना एक्टिव होगा। देख रहे हैं किस तरह से एक बफर स्टेट के ऊपर दोनों डोमिनेट होने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर कम्युनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। सर कम्युनिस्ट मूवमेंट मतलब, कम्युनिस्ट मतलब चाइना ओरिएंटेड मूवमेंट, हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर कम्युनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। सुन में आ रहा है? तो इस तरह से आप इसके अंदर देखेंगे, इन फरवरी 1996 द मोइस्ट पार्टी डिक्लेयर्ड पीपुल्स वार अगेंस्ट मोनार्की एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट और मोनार्की के खिलाफ क्या कर देंगे, कुछ लोग जो होंगे मिलकर पीपुल्स वार हो जाएगा। मतलब एक तरह से सेकेंड रिवोल्यूशन, यहाँ पर जन आंदोलन जिसको बोलते हैं, जन आंदोलन यहाँ पर होगा नेपाल के अंदर। और नेपाल के अंदर ये जन आंदोलन होगा दैट वॉज कम्प्लीटली इन द हैंड ऑफ कम्युनिज्म, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी कहेगी कि हमको डेमोक्रेटिक पार्टी को हटाकर हमें अपना रूल बनाना है, एस्टेब्लिश करना है, इलेक्टेड गवर्नमेंट और मोनार्की इन दोनों के खिलाफ यहाँ पर
एक जन आंदोलन चलाया, ठीक है। और ये इस तरह से यहाँ पर होगा, ये सिस्टम जो चलता रहेगा यहाँ पर, इस तरह का एक सिस्टम बनता रहेगा, राइट। एनीबडी हैज एनी डाउट इन दिस वन? मीनवाइल अभी जन आंदोलन चल रहे हैं, राइट। इसके मीनवाइल क्या होगा, एक बहुत बड़ा यहाँ पे षड्यंत्र होगा जिसको बोलते हैं पैलेस कॉन्स्पिरेसी, पैलेस कॉन्स्पिरेसी। अब ये पैलेस कॉन्स्पिरेसी के पीछे किसका हाथ है ये हमें नहीं पता, पर इसमें क्या होता है ये समझ, कि किंग बीरेंद्र ऐसा बोला, ये भी अब षड्यंत्र है ना, बोला बोला जा रहा है ऐसा, पता नहीं क्या हुआ है, किसी को नहीं पता, पर यहां पर देखेंगे कि मोनार्की को खत्म करने का समय आ गया है, और दोनों कंट्री जाते हैं, ये चाइना भी चाहता है कि नेपाल के अंदर मोनार्की खत्म हो, और भारत भी चाहता है कि नेपाल के अंदर मोनार्की खत्म हो। चाइना चाहता है कि नेपाल के अंदर कम्युनिज्म फैले, भारत चाहता है कि नेपाल के अंदर डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी फैले, ठीक है। अब जो किंग जो थे यहाँ पर, किंग जो थे बीरेंद्र, इनके एक बेटे थे, बीरेंद्र के बेटे दीपेंद्र, सर एक तो इनका ना नाम है ऐसे कोई महेंद्र बीरेंद्र दीपेंद्र। अब दीपेंद्र को फ्रस्ट्रेशन आया एक दिन, दीपेंद्र ने उठाई अपनी राजशाही बंदूक और पूरी फैमिली वालों को मार दिया, सारी मोनार्की को मार दिया, ठक 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 ठक, अपने पूरे फैमिली को मार दिया, किंग बीरेंद्र को मार दिया और सारे रॉयल मेंबर्स को मार दिया, ठीक है। किंग बीरेंद्र का जो भाई था, राइट, ज्ञानेंद्र, एक और समझ लो, है ना, ये लास्ट है ज्ञानेंद्र, ये दूसरे घर में रहते थे, मतलब इसके दीपेंद्र के चाचा जी, वो बच जाएंगे, बाकी सबको मार दिया जाएगा, और इसको बोला गया पैलेस कॉन्स्पिरेसी। अभी कॉन्स्पिरेसी से कई लोग बोलते हैं, ज्यादातर लोग का ये मानना है कि यहाँ पर भारत का हाथ है, किंग बीरेंद्र ने दीपेंद्र ने किसी को नहीं मारा, भारत आया सबको मार के चला गया, कुछ बोलते नहीं चाइना आया सबको मारकर चला गया, क्योंकि उस वक्त चाइना कम्युनिज्म फैलाना चाहता था, और किंग जो था, किंग वाज समवाट प्रो इंडियन हो गया था, समझ में आ रहा है, इस तरह से आप लोगों को, दिस इज नोन एज पैलेस कॉन्स्पिरेसी, रॉयल फैमिली ऑफ नेपाल इज शॉट डेड इन द पैलेस। देख रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है, कहानी बनती जा रही है एक तरह से, ये तो होता है मूवीज के अंदर कि उसको डोमिनेशन करना है दूसरे को डोमिनेशन, और इस तरह से ये सब चीजें चल रही, कितनी अच्छी एक मूवी बन सकती है इसके ऊपर। प्रिंसेस सेट टू ओपन फायर इन द सिटिंग रूम, सिटिंग रूम के अंदर सबको, अरे किंग बीरेंद्र नेपाल लेफ्ट एंड हिज वाइफ, ठीक है, क्वीन ऐश्वर्या वर अमंग देम शॉट टू द डेथ लास्ट नाइट सिंह, है ना, बाय हिज सन अजय सन क्राउन प्रिंस दीपेंद्र, सबको मार दिया इसमें रॉयल फैमिली को, और एक उनके चाचा जी बचेंगे, है ना, ज्ञानेंद्र, वो यहाँ पर हो जाए। ईयर जो है वो 1990s के अंदर ही है, 96 के बाद का ईयर है ना। तो देखिए, मीनवाइल द नेपाल आल्सो सफर्ड फ्रॉम द पैलेस कॉन्स्पिरेसी, किंग बीरेंद्र सन दीपेंद्र killed all the royal members including himself, as a result king gyanendra came to the power, gyanendra jo honge wo power ke andar aa jayenge, aur king gyanendra jo honge unka jo rule hoga wo bahut hi weak hoga monarchy ke respect mein, aur wo elected government banayenge us waqt, par wapas se inke andar gyanendra ke andar ek kya aayega, keeda aayega monarchy ka, hai na, gyanendra starting ke andar to elected government banayenge, par wapas iske andar monarchy ka keeda aayega ki yaar monarchy humko lekar aani hai, aur wapas se elected government ke andar को वापस से डिसॉल्व कर देंगे, डिसमिस कर देंगे, वही चीज आएगी जो किंग महेंद्र थे, वहीं पर सर्किल घूमकर वहीं पर आए, ठीक है, सर्किल घूम के वापस वहीं पर आए, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पर देखिए कि एज ए रिजल्ट किंग ज्ञानेंद्र केम इनटू द पावर, और किंग ज्ञानेंद्र अबाइड बाय द इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉर सम टाइम एंड देन डिसमिस द इलेक्टेड गवर्नमेंट, ठीक है, पार्लियामेंट टू वील्ड एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट पावर ले ली इन्होंने किंग ज्ञानेंद्र। अब जब किंग ज्ञानेंद्र ने एब्सोल्यूट पावर ले ली तो अब क्या होगा, धीरे धीरे लोगों को वापस से एक मूवमेंट, देखो कितने सारे मूवमेंट चल रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, एक और जन आंदोलन होगा, एक और पीपुल्स मूवमेंट होगा, और सारे जो डेमोक्रेटिक पार्टीज होंगी ना वो सारे इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगी, और डेमोक्रेटिक पार्टीज प्लस कम्युनिस्ट पार्टीज भी यहाँ पर सब जगह सारी पार्टीज होंगी मिलकर इस मूवमेंट को लड़ेंगी, क्योंकि वापस से मोनार्की एस्टेब्लिश हो गई थी तो दोनों का किसी का फायदा नहीं हुआ, तो वापस से ही लड़ेंगे, और ऐसे रिजल्ट वाला होगा क्या होगा, किंग ज्ञानेंद्र अपनी पावर छोड़ेंगे और वापस से पार्लियामेंट का रीइंस्टॉलमेंट ऑफ पार्लियामेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, इवेंचुअली किंग ज्ञानेंद्र रिलिंक्विश्ड हिज पावर एंड रीइंस्टेटेड द पार्लियामेंट, ऐसा सिस्टम चला है, पॉलिटिकल सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम देख रहे हैं किस तरह से किंग त्रिभुवन से लेकर किंग ज्ञानेंद्र जो कि लास्ट किंग है, वहां तक मैंने आपको चीजें बता दी, डायमेंशन क्लियर कर दी, एक स्टोरी की तरह आप इसको समझे, ठीक है, और ये समझिए कि किस तरह से इंडिया का इन्फ्लुएंस हुआ, फिर इंडिया का इन्फ्लुएंस गया, फिर इंडिया का इन्फ्लुएंस आया, फिर गया, किस तरह से एक बफर स्टेट्स के ऊपर पॉलिटिक्स
चलती है, ये आप इसके अंदर सब ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब क्या हो जाएगा, अब आ जाएगा नवंबर 2006, ठीक है, यहां पर आएगा। और यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर है, 21 नवंबर 2006 है ना, और प्राइम मिनिस्टर गिरिजा प्रसाद कोइराला एंड मॉइस्ट चेयरमैन दोनों मिलकर प्रचंडा, ठीक है, साइन द कॉम्प्रेंसिव पीस एग्रीमेंट कमिटिंग टू द डेमोक्रेसी एंड पीस फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री एंड द पीपल। डेमोक्रेसी लेकर आएंगे दोनों जो है पार्टी मिलकर, डेमोक्रेट्स और कम्युनिस्ट। अब आप यहां पर देखेंगे इंडिया का जो कंट्रोल था डेमोक्रेट्स के ऊपर वो बहुत कम हो गया था यहां तक आते, ठीक है, और डेमोक्रेट्स अब इंडिपेंडेंट की तरह बिहेव कर रहे थे। तो डेमोक्रेट्स और कम्युनिस्ट जो होंगे दोनों मिलकर एक कॉम्प्रेंसिव पीस एग्रीमेंट साइन करेंगे और उसके अंदर कहेंगे कि हम पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करेंगे नेपाल के लोग। और इसी तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की बात होगी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाते हैं हम, जिससे कि हम नेपाल का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात 2008 के अंदर स्टार्ट हो गई कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, अच्छा सा बढ़िया सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, फिर हम उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे, नहीं तो पहले तो मोनार्की फिर डेमोक्रेसी फिर मोनार्की फिर डेमोक्रेसी फिर मोनार्की, इस तरह से चल रहा था। अब तो राजा महाराजा खत्म हो गए, अब तो वहां की जो पार्टीज हैं उनको ही डिसाइड करना है। उन पार्टीज ने कहा कि हम क्या करते हैं, एक इलेक्शन करवाते हैं। इलेक्शन कैसे होगा, किस चीज का इलेक्शन होगा, गवर्नमेंट का नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर फिर यहां पर बंदे बैठेंगे और ये बंदे डिसाइड करेंगे किस चीज का डिसाइड करेंगे, किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स होंगे ये लोग, और ये मिलकर क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो इसका जो इलेक्शन होता है वो होता है 2008 के अंदर, अप्रैल 10, 2008 इज द डेट, ठीक है। तो ये देखिए अप्रैल 10, 2008 के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन होता है, और यहां पर आप देखेंगे ऑन मे 28, 2008 द न्यूली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर्ड नेपाल एज ए फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और जो 2240 साल पुरानी मोनार्की थी वो हो जाती है एंड। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होती है वो डिक्लेयर, अभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिक्लेयर कर दिया कि नेपाल जो है एक फेडरल स्ट्रक्चर्ड स्टेट है, ठीक है, जिसके अंदर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जिसका प्रेसिडेंट जो है हेड होगा और प्राइम मिनिस्टर जो होगा हेडिंग द गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट जैसा हमारे यहाँ पर होता है वैसे। एनीबडी हैज एनी डाउट इन दिस वन, प्लीज लेट मी नो। यहाँ पर 240 साल पुरानी जो मोनार्की, इतनी ज्यादा पावरफुल मोनार्की वो एंड होती है यहाँ पर। उज्ज्वला, दिस इज क्लियर? उज्ज्वला देवयानी छत्रपति, दिस इज क्लियर? यस, ठीक है, यहां तक अपन इसके अंदर समझ। पर अभी भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो काम था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या काम होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तो कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच में कुछ बातों को लेकर डेडलॉक क्रिएट हो रहा है, ठीक है। देखिए, बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नॉट एग्रीड इन फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पाएगा क्योंकि यहाँ पर डेडलॉक क्रिएट हो गया। डेडलॉक के अंदर क्या क्या पॉइंट थे, पहला पॉइंट ये था कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी रखे, साहब प्रेसिडेंशियल फॉर्म रखें या पार्लियामेंट्री फॉर्म रखें। कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाएंगे तो उसके अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म रखें कि पार्लियामेंट्री फॉर्म रखें, दोनों के बीच में लड़ाई हुई कि कुछ बोल रहे थे कि प्रेसिडेंशियल रखें, कोई बोले पार्लियामेंट्री रखें। पार्लियामेंट्री को डेमोक्रेट्स जो है वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहते थे, कम्युनिस्ट जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम चाहते थे। दूसरा कि भाई जब हम नेपाल है उसको डिवाइड करना है स्टेट्स के अंदर, कि स्टेट जैसे बनानी, ठीक है, तो वो किस किस बेसिस पे बनाए, एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे, कि एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे या फिर एथनी सिटी के बेसिस पे। मतलब कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई लोग एथनिक लोग रहते हैं, ठीक है, तो इसको एक पर्टिकुलर स्टेट बना दे, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को देखा जाए कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंदर अच्छा होगा, कि ऐसे काटने पे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा, कि ऐसे काटने पे नेपाल को एथनीसिटी, ऐसे एथनीसिटी का है कि यहाँ पे सारे लोग रहने हैं, और ऐसे क्या काटेंगे जब एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा। तो किसको हमको प्रायोरिटी देनी, कि बेसिस ऑफ फेडरेशन क्या होगा, कि जब हम नेपाल को काटकर अलग अलग स्टेट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो उसमें एथनीसिटी को देखा जाए या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को देखा। यहाँ पर ये पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट रहेंगे किसके अंदर, और यहाँ पर देखेंगे कि 2008 के अंदर बनी हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2009 तक भी कोई डिसीजन नहीं आएगा, 10 तक भी नहीं आएगा, 11 तक भी नहीं आएगा, 12 में तो इसका टाइम हो जाएगा, 5 साल के लिए बनाई थी, 5 साल तुम्हारे पूरे होते हैं, और फिर वापस से एक इलेक्शन होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेकेंड का, ठीक है, 2013 के अंदर, और यहाँ पर एक और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पर बनी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ रहा है? एनीबडी हैज एनी डाउट?
यहाँ पे देखिए, हाउ ड्यू टू पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट ऑन सम ऑफ द कंटेंशियस रूल लाइक द फेडरल प्रोविंसेस एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट अकम्प्लिश द हिस्टोरिकल टास्क ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर वाज नेचुरल टर्मिनेशन ऑफ इट्स मैंडेट इन 2012. ठीक है, इलेक्शन ऑफ सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन 2013 एंड इन द फर्स्ट मीटिंग लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सेट द टाइमलाइन कि 1 ईयर में हमें किसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. अब 2008 से काव्यात स्टार्ट हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन की, अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना 2013 तक आके. और यहाँ पर आप देखेंगे 2013 तक आ जाएंगे और ये जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी इसके भी इलेक्शन होंगे और फिर जाकर बनेगी, क्योंकि पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टाइम पीरियड खत्म हो गया था तो सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी और ये इसका रिजल्ट रहेगा. नेपाली कांग्रेस का यहाँ पर क्या होगा, डोमिनेंस होगा. पर अब ये नेपाली कांग्रेस पहले जो चमची थी बिल्कुल किसकी, इंडियन गवर्नमेंट की, अब उतनी चमची नहीं रहेगी. ठीक है, दूसरा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल जो होगा, जो कि यूनिफाइड मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट पार्टी, उसको 84 सीट्स मिलेगी. और यूनिफाइड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, दो तरह की नेपाल की पार्टी है, ठीक है, और उसको 54 सीट, दो तरह की कम्युनिस्ट पार्टी है नेपाल के अंदर, उसको 54 सीट मिलेगी. अभी तीनों बैठ के इनको डिसाइड करना है कि ये कहेंगे कि भैया देखो आप तो कम से कम आप तो क्या है, अब तो हमको सुधर जाना चाहिए और हमें क्या कर लेना चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन बना लेना चाहिए. पर अगेन कॉन्स्टिट्यूशन बनते 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 देर होती रहेगी और कॉन्स्टिट्यूशन कोई बनाया नहीं पाएगा और एक बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी किसके सामने, नेपाल के सामने, कि नेपाल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बन पा रहा है साहब. 2008 से चले थे पर अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन बन ही नहीं पा रहा. फिर क्या होगा, आपको याद होगा 2015 के अंदर, अगर आपको याद हो, नेपाल के अंदर एक भारी मात्रा में एक अर्थक्वेक आएगा, याद है, जिसमें इंडिया की मीडिया ने बिल्कुल बहुत ही ज्यादा नेशनलिज्म आ गया था और हमने बहुत हेल्प भी करी थी नेपाल की. ठीक है, इंडिया की मीडिया बिल्कुल कि भारत ने आपकी क्या मदद करी, वो बेचारा अंदर फंसा पड़ा है मलबे में, भारत की आपने क्या, भारत ने आपकी क्या मदद की, ऐसे ऐसे पूछ रहे, रियल में ऐसा हुआ था, राइट. तो बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि इंडियन मीडिया गो बैक, इस तरह से हुआ था कि भाई तुम यहाँ पर क्या करना, हम लोग मर रहे हैं यहाँ पर, तुमको भारत भारत लग रहा है. ठीक है, इस तरह का हुआ, इंडिया की सारी मीडिया वहां पर पहुंच गई थी, राइट. इंडिया ने हेल्प बहुत करी थी नेपाल की. 2015 में नेपाल के अंदर अर्थक्वेक आता है और तब पता चलता है कि भाई नेपाल के अंदर गवर्नेंस नाम की चीज ही नहीं है साहब. इंटरनेशनल, सारे इंटरनेशनल वर्ल्ड आके वहां पे हेल्प कर रहा है पर बात किससे करे, कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही नहीं तुम्हारे पास, कहां करें क्या भाई, किस तरह से गवर्नेंस, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के कैसे गवर्नेंस दे, कि लोग बाग मदद करने के लिए तैयार है, सरकार का है. फिर उनको बोला कि भाई तुमने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तुम्हारे, बोले यार हम 2008 से बना रहे, पागल हो गए क्या, 2008 से बना रहे हो, आज 2015 आ गया, तुमने कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बना, तुमसे तुम लोग कैसे चला रहे हो, ये देश है क्या है. लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज करा, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बहुत क्रिटिसाइज करा और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कहा कि जल्दी से जल्दी आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, एक साल नहीं लगना चाहिए, इसी साल बनना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन और किसी तरह से आप सितंबर 2015 तक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करें इस तरह से. और देखेंगे 2015 के अंदर नेपाल का एक बहुत बड़ा डिसीजन आता है नेपाल की गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, बहुत बड़ा मतलब एक चेंज है पूरा पॉलिटिकल सिस्टम के, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनकर आ जाता है नेपाल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल 2015 के अंदर, जिसका स्टार्ट करा था 2008 से, बना 2015 के अंदर. रीजंस मैंने आपको सारे बताए, हमें यहां तक लेकर आना था आपको, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो भाई क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने, मस्त वाला, मतलब सारे प्रोग्रेसिव चीजें इनका कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें इन्होंने कहा है सेकुलरिज्म हम लेकर आएंगे, कोई इन्होंने हिंदू राष्ट्र ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं दिया, सेकुलरिज्म लेकर, जिसमें उन्होंने बोला कि हम फंडामेंटल राइट्स लेकर आएंगे, फंडामेंटल राइट्स, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, ये फंडामेंटल राइट्स है इसी टाइप. ठीक है, फिर दूसरा है कि हम कैपिटल पनिशमेंट को, कैपिटल पनिशमेंट हमारे देश में नहीं दिया जाएगा. ओ माय गॉड सर, डेथ पेनल्टी इज नॉट अलाउड. चौथा पॉइंट ये है कि एलजीबीटी राइट्स भी दिए जाएंगे. अरे सर, सर ये ज्यादा, ये मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन रहा बिल्कुल. पांचवा ये है कि हम फंडामेंटल राइट देते हैं कि राइट अगेंस्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम ह्यूमन ट्रैफिकिंग, क्योंकि नेपाली जो लोग होते हैं उनका बहुत ज्यादा ट्रैफिकिंग होता है. ठीक है, नेपाली वीमेन्स का बहुत ज्यादा प्रोस्टिट्यूशन रैकेट्स चलते हैं, भारत के अंदर भी चलते हैं, चाइना में भी चलते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा मेजर इशू था. तो इस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ मूलभूत अधिकार देंगे,
सोशो इकोनॉमिक राइट्स भारत के अंदर भी नहीं है, तो सोशो इकोनॉमिक राइट्स जो होंगे उसको फंडामेंटल राइट्स बनाएंगे, फंडामेंटल। और इस तरह का एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल लेकर आया, और लोगों ने कहा भाई तुमने टाइम लगा के तो आया, तालियां भाई तुम्हारे लिए, क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। वेस्टर्न कंट्रीज ने सब ने इसको बहुत ही ज्यादा क्या करेंगे, बहुत ज्यादा इसको अप्रिशिएट किया है, पर भारत को ये कॉन्स्टिट्यूशन पसंद नहीं आता। सर क्यों नहीं आता है? सर इससे बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? सर कैसे? सर क्या बात कर दी आपने, भारत को क्यों समझ में नहीं आ रहा कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना अच्छा है? और इतना अच्छा तो कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया है, और क्या बनाए, और क्या बनाया सर? बना तो दिया कॉन्स्टिट्यूशन। भारत को एक कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पसंद नहीं आया, इसको समझाने के लिए मेरे को आपस में आपको बैकग्राउंड समझाना पड़ेगा, ठीक है? आई होप यहां तक क्लियर है सबको कि भारत के अंदर, यहां पर भारत कहेगा कि हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन पसंद नहीं आया, और नेपाल के नेता आज कहते हैं कि भारत ने हमको धमकी भी दी थी कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन बदलना होगा, नहीं तो तुमको यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। क्या रीजन था आई विल लेट यू नो, बट बिफोर दैट दीप्ति रंजन, यस प्लीज आस्क द क्वेश्चन। दीप्ति सर, कैपिटल पनिशमेंट क्यों नहीं रखे थे? अच्छा, कैपिटल पनिशमेंट बिकॉज किसी का डेथ लेना, डेथ पेनल्टी जो है ना, वो मॉडर्न कानून के हिसाब से दैट शुड नॉट बी राइट। कैपिटल पनिशमेंट मतलब किसी को मार रहे हैं आप, ठीक है, आप उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दीजिए, आप उसको रिग्रेस इंप्रिजनमेंट दे दीजिए, पर कैपिटल पनिशमेंट इज ए इनह्यूमन एक्ट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल्स एंड रेगुलेशन। मॉडर्न कि भाई किसी की जान लेना अच्छी बात नहीं है ना, आप उसने क्राइम क्यों कराया, उस क्राइम को हटाने के लिए हेट द क्राइम नॉट द क्रिमिनल, कैपिटल पनिशमेंट नहीं देना चाहिए बिकॉज आप किसी की जान ले रहे हैं, दैट इज इनह्यूमन। इस तरह से कैपिटल ओके पनिशमेंट सर, के अगर हम देखेंगे बहुत सारी जो कंट्रीज है वो कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ है, वेस्टर्न कंट्रीज की कैपिटल पनिशमेंट नहीं देना चाहिए बिकॉज एक इंसान ने मान लीजिए चोरी करी है, ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता, तो उस चोरी करने का रीजन हमको ढूंढना चाहिए कि उस रीजन को हमको हटाना चाहिए, हेट द क्राइम, क्राइम से हेट करना चाहिए, क्रिमिनल से हेट नहीं करना चाहिए, इस तरह से। तो ये इस तरह की चीज है, राइट दीप्ति? ओके सर। सर, इंडियन एक्सप्रेस में जो वर्डली वाइज करके आता है ना, एक एक कोट हमेशा, वहां पे अभी रिसेंटली 6-7 दिन पहले एक आया था कि क्या ब्रायन स्टीवेंसन ऐसे करके था उनका नाम, उनका ये था कि द रियल क्वेश्चन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट इज डू वी डिजर्व टू किल, ऐसे करके था। डू वी डू वी डिजर्व टू किल, ओके यस मतलब कहीं पे भी कैपिटल पनिशमेंट को सपोर्ट किया नहीं जाता है। हाँ करना मतलब अब देखो थोड़ा बात कर लेते हैं। चलो देखो कैपिटल पनिशमेंट का मतलब क्या है समझो, कैपिटल पनिशमेंट व्हाई इट इज नोन एज कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कैपिटल पनिशमेंट का मतलब यह है कि आप किसी की जान ले रहे, मतलब एक आदमी सबसे ज्यादा कैपिटल अर्न क्या करता है, सबसे बड़ी कैपिटल आदमी के पास क्या है, कैपिटल आदमी के पास सबसे उसकी बड़ी उसकी जान उसकी जिंदगी। है ना, उस पैसा वैसा कमाया दैट इज कैपिटल, ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट क्या है कि पैसा छीन लो भाई कैपिटल ले लो ये, पर सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल क्या है, उसकी जिंदगी है, उसको मारना दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है। अब इस आदमी ने कोई क्राइम कर दिया है और आपने क्या करा, इस आदमी को मार दिया, ठीक है, ऐसे तो आपने क्राइम खत्म नहीं कराया, फिर दूसरा भी करेगा क्राइम। इस क्राइम के मूलभूत चीजों पे जाओ ना, इसने चोरी करी तो क्यों करी भाई, इसके पास ऐसी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन थी कि इसका जॉब नहीं लग पाया था, जॉब नहीं लग पाया, माँ बाप ताने देते थे, माँ बीमार थी, चोरी कर ली इसने, अब इसमें जॉब प्रोवाइड नहीं करी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, ये किसकी गलती है, इसकी गलती है क्या, ये तो आराम से जॉब करता, इसको जॉब नहीं मिली तो इसने चोरी करी, तो इसकी गलती नहीं है, आपने इसको फांसी पे लटका दिया भाई, ये जब तक चीजें मूलभूत चीजें जब तक सही नहीं होंगी तब तक तो फिर क्राइम बढ़ता जाएगा, ठीक है। सर मैं यस एक एक सर रीजन दे रहा हूँ, है ना, नेहा भी आपके पॉइंट पे आ रहे हैं ना, दीप्ति अभी पूरा सुनो पहले, पर सर हम क्या करें, सर ये बताएं, सर रेपिस्ट का क्या करें, रेपिस्ट का क्या करें, समझ आ रहा है? सर एक बात बताओ, ये तो साइकोलॉजिकल इल पर्सन है, ठीक है, इसका क्या, सर टेररिस्ट का क्या करें, इनको छोड़ दिया सर वापस, ये जाकर बाहर जाके पहला काम करेगा रेप ही करेगा, ये इसको छोड़ दिया कि हेट द क्राइम नॉट द क्रिमिनल, भाई टेररिस्ट में इसको रेप करने में इसको किसने क्या मजा आ रहा है, ठीक है, टेररिज्म फैलाने में, तो ये वापस टेररिस्ट बम फोड़ देगा, इनका क्या करे, तो इनका क्या करे, बट
इनका भी जो मॉडर्न रूल्स एंड रेगुलेशन वो कहते हैं इनकी भी जान ना लो, आप इनको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दे दो ना, इनको ऐसी सजा दे दो कि सजा दे कि भाई ये जिंदगी भर तड़पे, जिंदगी भर इनको कोड़े मारो, काम करो उनसे इनका। अगर तुमने, अब हम कहेंगे कि सर फिर डिटरेंस कैसे क्रिएट होगा, ये बोलेंगे रेपिस्ट को तुमने मार दिया मान लो, तो लोग भूल जाएंगे थोड़े दिनों, पर इनको तड़पाते रहो नहीं वो कैसे जेल में चढ़ रहा है, ऐसे करो तब जाके डिटरेंस क्रिएट होगा। तो ये ऐसे कुछ प्रोज एंड कॉन्स पॉइंट है ना दीप्ति। यस प्लीज। यस दीप्ति सर। बट जैसे कि हम रिसेंट केस में देखेंगे बिल्किस बानो जी के केस में, उनको भी उनका भी जो भी मतलब रेपिस्ट थे उनके केस में, उनको काफी साल के बाद उनको भी छोड़ दिए। दैट इज टू पॉलिटिकल। तुम्हें पता है किस डायमेंशन में वो करा गया है, गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। यस यस। दैट इज वेरी इनह्यूमन एक्ट बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। यस सर। मतलब कोई भी गवर्नमेंट यूज करा गया है गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आएगा तो वो भी तो पॉलिटिक्स एक बार अगर यहाँ पे एंट्री कर जाता है तो कोई भी चीज हो सकता है। तो यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट दे देना चाहिए था। कहाँ पर? बिल्कुल करोगे? यस यस। हाँ देना चाहिए तो, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है। पर अरे भाई कैपिटल पनिशमेंट नहीं देते, जेल में तो रखते कम से कम, आजादी कर दिया तुमने तो रिग्रेसिव इम्प्रिजनमेंट दे देते। कैपिटल पनिशमेंट इज नॉट द डिबेट एट ऑल कि ठीक है चलो कैपिटल पनिशमेंट पर रिग्रेसिव इम्प्रिजनमेंट तो दो, ये दिखना तो चाहिए yes, ऐसा काम वापस हो जाए तो उसके खिलाफ डिटरेंस तो देखना चाहिए। राम देख रहे हैं मालाएं चढ़ा रहे हैं उसके ऊपर, दैट इज द मोस्ट शेमफुल थिंग। ठीक है, इस कंट्री के अंदर देखे तो बहुत बहुत बड़ा एक शेमफुल एक्ट है। कभी कभी कुछ ऑकेजन्स वगैरह आता है तो वहां पे 20 साल कोई जेल में रहा तो उसको छोड़ देते हैं ऐसे। करेक्ट है, राइट। तो ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए भाई, ऐसे छोड़ने कैपिटल पनिशमेंट नहीं देने का मतलब ये थोड़ा ना कि तुम बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। उनको जेल में सड़ाओ, उनको आराम से उनको रिग्रेस, पर जान लेना दैट इज नॉट राइट ऐसा बोलता है क्योंकि कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट में। कैपिटल पनिशमेंट इज नॉट द सॉल्यूशन, बट तुमको डिटरेंस तो क्रिएट करना है, नहीं तो मॉरल ऑर्डर कैसे रहेगा? नेक्स्ट बिल्कुल बानो बनाने की तुम तैयारी कर रहे हो, नेक्स्ट बिल्कुल बानो केस बनाने की तैयारी कर रहे हो, उसमें क्या है मोटिवेट कर रहे हो उन लोगों के, तुमने बहुत अच्छा काम करा जेल में से निकलकर आखिर मेरे को माला ही पड़ा है। ठीक है, माला पहना रहे रेपिस्ट को, तो रेप को प्रमोट कर रहे हो एक तरह से तुम। दैट इज टू पॉलिटिकल, दैट इज टू शेमफुल, दैट कैन नॉट बी, उसको आप किसी भी डायमेंशन में आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कैसा भी डायमेंशन, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कुछ भी डायरेक्शन के अंदर डायमेंशन में आप उसको बिल्कुल आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करिए, दैट इज शेमफुल एक्ट बाय द गवर्नमेंट। ठीक। यस सर। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे नेपाल को। अब ये है कि भारत ने नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भारत ने क्यों रिजेक्ट करा, इसके लिए हमको थोड़ा सा और बेसिक के अंदर जाना है। एनीबडी हैज एनी डाउट और शुड आई स्टार्ट द बेसिक डायमेंशन? ठीक है, वापस से बेसिक डायमेंशन में अपन चलते हैं और हम देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। राइट, ऐसे समझो कि ये ऐसे समझो ये नेपाल है। ठीक, इसकी अगर हम डेमोग्राफी की बात करें, नेपाल की डेमोग्राफी की बात करें, तो ये वाला जो एरिया है ना जहाँ पे माउंटेन एरिया है, दैट इज नोन एज पहाड़ी रीजन। दिस इज पहाड़ी रीजन, और यहाँ के लोगों को पहाड़ी पीपल भी बोलते हैं, आपने सुना होगा पहाड़ी लोग। ठीक है, और ये जो रीजन है ना दैट इज प्लेन रीजन, प्लेन रीजन। ठीक है, नेपाल का ये वाला रीजन जो है, सॉरी मैंने थोड़ा सा इंडिया के अंदर लेके चला गया, ये प्लेन। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज द प्लेन रीजन ऑफ नेपाल, ये जो है प्लेन रीजन, जिसको हम बोलते हैं तराई रीजन, तराई। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम पहाड़ी रीजन, पहाड़ी। अच्छा, यहां पर जो लोग रहते हैं ना दैट आर प्रो इंडियन, ये प्रो इंडियन, प्रो इंडियन, और भारत के साथ बहुत अच्छा संबंध है, और ये यही लोग जो है ना भारत को और नेपाल को मिलाकर रख रखे। ठीक है, ये जो लोग हैं दैट इज प्रो चाइना, प्रो चाइना। अच्छा, ये जो लोग हैं ना तराई रीजन के अंदर जो लोग रहते हैं दैट आर नोन एज मधेशीज, 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 और ये लोग जो है ना बहुत गरीब लोग हैं, ये लोग हैं गरीब लोग हैं, मधेशीज आर पुअर पीपल। यहाँ पर जैसे जनजातियाज होते हैं ना, इनको जनजातियाज भी बोलते हैं, जनजाति, जनजाति यहाँ भी इनको बोलते हैं। ठीक है, कि ये बहुत ही गरीब लोग हैं, जनजाति भी इनको बोलते हैं, और ये जो लोग हैं पहाड़ी लोग, दिस इज इलीट क्लास, इलीट क्लास ऑफ नेपाल, इलीट क्लास ऑफ नेपाल, राइट। नेपाल की बहुत ही इलीट क्लास है, और ये जो नेपाल की है दिस इज जनजाति। अच्छा, इनका जो संबंध है भारत से,
ठीक है, भारत यहाँ पर ये समझो, भारत यहाँ के लोग जो है वो भारत के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप है और भारत इनको अपना कंप्लीट सपोर्ट देता है। भारत बोलता है तुम्हारे लिए हम जान पे खेल जाएंगे, क्या बात करते हो तुम। और यहाँ के लोग जो है मधेसीज लोग हैं, जो जनजातियाज लोग हैं, दे आर प्रो इंडियंस। और यहाँ पर एक मैं तुमको टर्म यूज कर रहा हूँ, एक रोटी बेटी का संबंध है, रोटी बेटी संबंध। रोटी का मतलब क्या होता है, लाइवलीहुड है ना, रोटी मतलब कि लाइवलीहुड। तो इनकी लाइवलीहुड जो है इन लोगों की डिपेंडेंट है किसके ऊपर, भारत के ऊपर। प्लस बेटी का संबंध मतलब मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी है, ठीक है, कि नेपाल की जो लड़की होती है भारत के अंदर शादी कर दिया जाता है, ठीक है, भारत जो है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर एक मैट्रिमोनियल अलायंस भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज थिंग कि भाई जो मधेशीज हैं, जनजातियाज हैं, दे आर प्रो इंडियंस, ठीक है, जबकि पहाड़ी लोग हैं जो कि इलीट क्लास है, जो कि रिच क्लास है, जो कि डोमिनेट क्लास है, दैट आर प्रो चाइना। पहला पॉइंट, तराई रीजन के जो लोग हैं यहाँ पर, जो लोग रहते हैं इनके साथ एक तरह से सेकेंडरी सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है, इन लोगों के साथ सेकेंडरी सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है। इन लोगों को कहा जाता है कि अरे तुम लोग हमारे लोग नहीं हो, तुम तो भारत के लोग हो, इस तरह से यहाँ पर ट्रीट किया जाता है। तो बॉर्डर के ऊपर जो लोग हैं दैट आर प्रो इंडियन, ठीक है, और उनको सेकेंड सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो यहां पर इनके साथ बहुत भेदभाव हुआ। अब क्या भेदभाव हुआ ये अपन को इसके अंदर समझ। इज दिस क्लियर, यहां तक से क्लियर है सबको? एनीबडी हैज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। नेपाल को डिवाइड, अब देखो ये लोग जो है, जैसे ये लोग है ना, दे आर मधेशी, ऐसे समझो आप, ठीक है। अब स्टेट कैसे बनाई गई, देखिए ये फेडरल स्टेट है, ये स्टेट बनाया गया, एक स्टेट ये बनाया गया, ये स्टेट नंबर वन। अब बताओ इस स्टेट के अंदर मेजोरिटी में कौन होगा, ये बताओ, स्टेट में मेजोरिटी में कौन होगा, मधेशीज पहाड़ीज, नहीं पहाड़ी, लाइट क्लास है, पहाड़ीज हो जाएगी, राइट, मधेशीज हो गए, पहाड़ी पहाड़ीज हो गई, राइट, सुनो। अच्छा इस स्टेट में देखेंगे, इस वाली स्टेट के अंदर, येलो वाली स्टेट के अंदर, क्योंकि ये जो लोग हैं ये भी पहाड़ीज है, तो डोमिनेंट जो है वो पहाड़ीज होंगे। इसमें देखेंगे तीसरी वाली स्टेट में, तो ये भी पहाड़ीज होंगे। चौथी वाली में देखेंगे ये भी पहाड़ीज होंगे। पांचवी वाली में देखेंगे तो ये भी पहाड़ीज होंगे। छठी वाली में देखेंगे तो ये भी पहाड़ीज होंगे। यहाँ पर ये वाली में देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा बहुत क्या आएगा, मधेशीज का मेजोरिटी है। आप देख रहे हैं मधेशीज को अगर यहाँ पे इलेक्शन होगा तो कौन जीतेगा, पहाड़ी जीतेगा, पहले स्टेट के अंदर। दूसरे स्टेट में कौन जीतेगा, पहाड़ी जीतेगा। भाई हमको ऐसा करना चाहिए था ना, डिविजन कुछ इस तरह से करते या फिर कुछ इस तरह से करते जिससे कि ये जो पहाड़ीज है इनकी पॉपुलेशन भी 50% है, पर इनको यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से स्टेट का डिवीजन करा गया है, फेडरल स्टेट इस तरह से बनाए गए कि पहाड़ी लोगों के बारे में उनको हमेशा माइनॉरिटी के अंदर ही रहेंगे, पहाड़ी सॉरी पहाड़ी क्या बोल रहा हूँ, जनजाति मधेशी जो के वो हमेशा माइनॉरिटीज के अंदर रहे हमेशा। आप देखेंगे जो अगर भाई इसको ऐसा बनाने की जरूरत थी, इसको कुछ इस तरह से बनाते, इस तरह से बनाते कुछ कि ये पहाड़ी लोग ऐसे बना देते, इसको इस वाली चीज को ऐसे बना देते भाई, ऐसे करके यूं बना देते जिससे सब आते, पर यहाँ पे इसको जानबूझकर ऐसे बनाए जिससे कि पहाड़ी लोगों का हमेशा डोमिनेंस रहे, कि अगर यहाँ पे इलेक्शन होगा तो यहाँ पे भी पहाड़ी जीतेगा, यहाँ पे भी पहाड़ी जीतेगा, यहाँ पे पहाड़ी जीतेगा, यहाँ पे पहाड़ी जीतेगा, यहाँ पे भी और पहाड़ी लोगों का डोमिनेंस रहेगा। और इंडिया इस टर्म को बोलते हैं जेरी मैंडरिंग, है ना, इस टर्म को जेरी मैंडरिंग कहते हैं। एक टर्म यूज कर रहा हूं मैं इसके लिए, जेरी लिख रखा है नोट्स में, कोई दिक्कत नहीं, मैंडरिंग, जेरी मैंडरिंग मतलब कि इस तरह से डिवाइड किया जाए कंट्री को कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी हमेशा माइनॉरिटी में रहे। अब ये जो पहाड़ी लोग हैं और जनजातीय जो है ये माइनॉरिटी नहीं है कोई भी, कि जनजातीय माइनॉरिटी, ये भी 50% पॉपुलेशन है, ये भी 50% पॉपुलेशन है, बराबर के लोग हैं। पर यहां पर आप देखेंगे यहां पर इस तरह का सिस्टम क्रिएट करा गया, सेवन स्टेट जो बनाए। अब भारत इससे नाराज होंगे ना, ऑब्वियसली नाराज, और यहाँ के लोग जो है मधेशी ये नाराज हो जाएंगे, और मधेशी इस भारत से एक्सपेक्टेशन रखेंगे भाई ये गलत हो रहा है हमारे साथ, समझ में आ रहा। दूसरा प्रॉब्लम क्या था इसका, ये समझो दूसरा प्रॉब्लम कि इनकी जो टोटल सीट्स थी ना, आर यू गेटिंग दिस वन, इज दिस क्लियर विद एवरीवन? पहला पॉइंट जेरी मैंडरिंग मतलब समझ में आ गया। अभी करंट अफेयर्स के अंदर है ये, आज तक करंट अफेयर है, समझ में आ रहा। आज भी अगर नेपाल के अंदर हम जाएंगे तो हम इस तरह से बोलेंगे, राइट,
अब देखो दूसरा जो चीज था वो ये था कि इसके अंदर पूरी की पूरी जो सीट्स थी 165 सीट्स है, जैसे हमारे पार्लियामेंट में 545 सीट्स है, इनके पास 165 सीट्स, पर पहाड़ी पीपल के लिए कुछ सीट्स रिजर्व है 100 सीट्स, और 65 सीट्स रिजर्व किसके लिए, 65 सीट्स रिजर्व से सिर्फ और सिर्फ जनजाति। सर ये क्या मतलब हुआ सर, मतलब 100 लोग पहाड़ी लोग कितने 50% पॉपुलेशन है, पर उनको 100 सीटें दे दी, वो पहले से इलीट क्लास है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर अगर हम देखा जाए तो पहाड़ी पीपल को 100 सीट मिल रही है और 65 सीट्स पे ही जनजाति बनी, एक का बात हो गया सर। तो ये जो चीज है ना दैट इज वेरी वेरी अनफेयर, और भारत इसके खिलाफ बहुत ज्यादा विरोध कर रहा है। अब देखो क्या होता है, अब यहाँ पर पॉलिटिक्स स्टार्ट राइट। अच्छा अब यहाँ पर जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो इंडिया को ऐसा लगता था, भारत को ऐसा लगता था कि हमसे पूछा जाएगा, हम जब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हामी भरेंगे तभी जाके कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। पर नेपाल लोगों ने पूछा तो सर ही, पर इंडिया से नहीं पूछा, चाइना से पूछा, और चाइना के बेसिस भी अगर हम देखें, चाइना चाहता है कि यहाँ पे डोमिनेंस, अगर यार अगर मान लो जैसे मैं बोल रहा हूँ जनजाति इसका, जैसे मैंने बताया कि इस तरह से बना देते, तो अगर ऐसा बन जाता तो इंडिया का कंट्रोल नेपाल पे ज्यादा हो जाता, और चाइना का भी चाहता नहीं क्योंकि बफर स्टेट है, समझो पॉलिटिक्स समझो तुम इसकी। अब चलो इसके अंदर बताता हूँ तुमको, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नेपाल एज ए सेकुलर कंट्री, फेडरल सिस्टम इट क्रिएटेड 7 स्टेट, और यहाँ पर जेरीमैंडरिंग वाली अप्रोच रखी कि डिवाइड अ कंट्री प्रोविंस इन सच ए वे टू मेक वन कम्युनिटी पर्टिकुलर ग्रुप को माइनॉरिटी में बना करो, चाहे से वो माइनॉरिटी है नहीं फिर भी पॉलिटिकल माइनॉरिटी, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल माइनॉरिटी। एंटाइटलमेंट अप्रोच अगर हम देखें तो इट गारंटीज फंडामेंटल राइट एज वेल एज राइट टू फूड एजुकेशन, राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम द एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, देखो मॉडर्न है, राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कन्फर्मिंग सोशो इकोनॉमिक राइट्स एज ए फंडामेंटल राइट्स, रिजेक्टिंग डेथ पेनल्टीज, ठीक है, और हम यहाँ पर देखेंगे एलजीबीटी कम्युनिटी राइट्स, ये सब चीजें इसके अंदर दी। वेस्ट को बहुत सही लग रहा है, हमको दिक्कत हमें पता है क्या गड़बड़ है। इंडिया टिल डेट हैज नॉट वेलकम द डेवलपमेंट सेइंग इट नोटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आने वाले समय में इसके अंदर चेंज होगा कि हमने नोट करा है, पर कभी भी ऐसा नहीं कहा कि वी आर वार्म वेलकम योर कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके पीछे क्या क्या चीजें हैं मैंने आपको बता दिया, देखिए अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट देर आर 3 मेजर प्रॉब्लम्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच प्रिवेंट्स इंडिया फ्रॉम वार्म वेलकमिंग द डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट को वार्म वेलकम क्यों नहीं कर रहा, 3 बड़ी समस्या। पहली समस्या क्या है, द फेडरल प्रोविंशियल डिमार्केशन इज परसीव टू बी अनफेयर टू द पीपल ऑफ तराई रीजन, मैंने आपको बताया सीट्स का बंटवारा 100 सीट्स पहाड़ी रीजन के लिए, जबकि जो अदर हाफ है मलेशिया मतलब 50% पॉपुलेशन है उनको सिर्फ और सिर्फ कितनी 65 सीट्स थी, हाईली डिस्क्रिमिनेटिव, ठीक है। तीसरा पॉइंट प्रोपोर्शनल इंक्लूजन क्लॉज की रिजर्वेशन इंक्लूड्स मेनी फॉरवर्ड क्लासेस ऑफ पहाड़ी रीजंस विद नेगेट द प्रिंसिपल ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, रिजर्वेशन प्रोवाइड कराए आपने देखा इसके अंदर कि 100 सीट्स और 65 सीट्स। इंडिया आल्सो फील्स लेट डाउन दैट मेनी ऑफ द कमिटमेंट्स गिवन बाय नेपाली ड्यूरिंग द फ्रेमिंग ऑफ 2007 इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन फॉरगेटेड, जिसके अंदर किसको जनजाति को एक अफर्मेटिव एक्शन देने की बात करी गई थी वो सब चीजें भूल गई, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब इंडिया ने कहा कि भाई साहब ये तो गलत हो गया है ना। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिक्स है, ये समझ में आ गया कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना, पूरा वर्ल्ड इसको अप्रिशिएट कर रहा है पर इंडिया इसको क्यों रिजेक्ट कर रहा है, क्यों इंडिया वार्म वेलकम नहीं कर पा रहा है इसका, और क्यों इंडिया को लग रहा है कि उसके साथ धोखा हुआ है, क्यों पहाड़ी पीपल्स को यहाँ पर ज्यादा डैमेज चल रही, ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए ना। और हम देख रहे हैं कि पहाड़ी पीपल्स का ज्यादा इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इस तरह से अब इंडिया ने ये चीजें बताई इसको, इंडिया का एक डेलीगेशन भी गया जिसके अंदर जो हमारे आज के फॉरेन मिनिस्टर है वो पहले फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो फॉरेन सेक्रेटरी जो थे वो गए, एस जे शंकर गए थे उधर, और उनको अच्छे से समझाया कि देखो भाई गड़बड़ मत करो, ये है ना जानबूझकर ये छिछोरागिरी हमको पसंद नहीं है बोला गया, और तुमको यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंस, इस तरह से बात हुई काठमांडू ने का भाड़ भी का, है ना। काठमांडू इग्नोर्स दिल्ली कंसर्न ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, दिल्ली ने कंसर्न दिखाया पर काठमांडू ने कहा कि हमको कोई मतलब नहीं है, ये हमारा इंटरनल मैटर है, ठीक है। तो ये देखिए ये इसका स्टेटमेंट आता है ऑफिशियल स्टेटमेंट एट दैट टाइम कि वी शेयर इंडियाज कंसर्न अबाउट मेकिंग श्योर द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल इंक्लूसिव बट एट द एंड दिस इज इंटरनल प्रोसेस ऑफ नेपाल एंड कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट इज ए रिजल्ट ऑफ 8 ईयर ऑफ नेगोशिएशन, इतना समय लगाकर हमने बनाया है फॉलोइंग द बेस्ट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस, कि हमने देखो सारे इंटरनेशनल
प्रैक्टिस करिए, बाकी जो भी है वो इंटरनल मैटर है। अब इंडिया का अप्रोच तो इंडिया ने सोचा कि अब मैं तुम्हारा कान दूसरी तरीके से पकड़ू, क्या यहाँ पर मदेशीस लोग प्रोटेस्ट करेंगे, बहुत ज्यादा मदेशीस का प्रोटेस्ट हो जाएगा, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और क्या होगा कि नेपाल यहाँ पर है और यहाँ चाइना, बोले अब तुमको चाइना के साथ ही रहो नेपाल, और यहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाएगा इस जगह। ऑब्वियसली इंडिया यहाँ पर बिल्कुल कुछ भी सप्लाई कर रहा, जो ऑयल गैस खाने का सामान ये सब सप्लाई था, सप्लाई यहाँ पर बंद कर देगा कोई सप्लाई। और नेपाल के अंदर एक बहुत बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ गई। भाई सप्लाई कहां से होती थी? इंडिया से होती थी। इंडिया ने कहा नहीं कर रहे सप्लाई। इंडिया से पूछा कि क्यों नहीं कर रहे, बोले हम तो करना चाहते हैं साहब, हमें दिक्कत नहीं है, हम सप्लाई करना चाहते हैं, बट यहाँ है ना बहुत दंगे वंगे हो रहे हैं, हमारे ट्रक वक कैसे जाएंगे सर, इधर ट्रक जा ही नहीं सकते सर, ऐसे करके इंडिया। और नेपाल के अंदर बहुत तगड़ा एक क्राइसिस आ रहा है ह्यूमैनिटेरियन। और नेपाल इस क्राइसिस का रीजन क्या देगा? भारत। ये भारत जो है ना हमारी कंट्री के अंदर दंगे करवा रहा है और हमको सप्लाई नहीं दे रहा, हमारे सोवरेन राइट्स का वायलेशन हो रहा है और एक ब्लॉकेड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है भारत। ये ब्लॉकेड हमने पहले भी करा था, राजीव गांधी ने भी एक बार क्रिएट करा था ब्लॉकेड, जब इन्होंने सड़क बनवाई थी राजीव गांधी के टाइम पर चाइना और चाइना के साथ, और नेपाल चाइना ने नेपाल के अंदर सड़क बनाई तो राजीव गांधी ने ब्लॉकेड करवा दिया, उस वक्त भी ऐसी स्थिति थी। और यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि नेपाल के लोगों का राइट्स हनन कर रहे हैं और नेपाल के लोगों को मारा जा रहा है भारत के द्वारा, क्यों? भारत ने मना कर दिया कि हम कुछ नहीं प्रोवाइड करेंगे, खाना वाना कहीं अब नहीं बनाओ, चाइना से लेकर आओ। अब चाइना हेल्प कर नहीं सकता क्योंकि चाइना और हमारे बीच में भाड़ आ गए, तो नेपाल कहेगा कि भाई हमारे सोवरेन राइट्स जो है, बहुत चिल्लाएगा नेपाल है ना, बहुत मतलब हम मारेंगे एक थप्पड़ बोले और मार दिया भाई, मर गए मर गए मर गए, ऐसे चिल्लाएगा, ठीक है चाकू कूद दिया। और हमारा जो ये था ना टैक्टिक्स काम नहीं करेगा, ठीक है। देखो क्या होता है इस तरह से नेपाल के अंदर होता है, और फिर आफ्टर टू डिवेस्टेटिंग अर्थक्वेक ए ब्लॉकेड ऑन इट्स बॉर्डर प्रेजेंट नेपाल विद अनदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ठीक है। तो देखो नेपाल इज नाउ कंफ्रंटेड विद अनदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, दिस टाइम ड्यू टू द ब्लॉकेड एट द क्रूशियल क्रॉसिंग ऑफ द बॉर्डर विद व्हाट बॉर्डर विद इंडिया विच इज हॉल्टेड ऑयल एंड अदर नेसेसरी सप्लाई लैंड लॉक नेपाल ऑब्टेन फ्रॉम इट्स जॉइंट नेबर द ब्लॉकेड विच नेपाल गवर्नमेंट ब्लेम्स ऑन इंडिया इमीडिएटली फॉलोड द पैसेज ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बाय द नेपाल, और कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पास करा और यहाँ पर ब्लॉकेड स्टार्ट हो गया। इस तरह से पूरा का पूरा ब्लेम क्या करते, साफ साफ बोलते थे ये लोग, ऐसे नानुकुर करके दो भाषा में, भारत करा रहा है और भारत ब्लॉक कर रहा है क्योंकि हमने इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बातें नहीं मानी, कैसा गंदा लोग है कि भारत की बात मानो, मतलब आप हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाए ना तो भी भारत चाहता है कि मेरा ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमारा इंटरनल राइट है ये, इसके अंदर भारत क्या कर रहा है, अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताओगे ना तो देख ले क्या होता है तुम्हारा, समझ आ रहा है। तो यहाँ के लोगों ने, मधेशी लोगों ने यहाँ पे रिवोल्ट करा और उसके पीछे भारत का हाथ बताया गया। और बहुत सारी रिपोर्ट्स आई कि भाई मिलियंस ऑफ नेपाली चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 आर एट द रिस्क ऑफ डेथ due to shortage of fuel for head medicine, और भारत की एक इंटरनेशनल किरकिरी यहाँ पर होगी, करीबन 6 महीने तक ब्लॉकेड रहेगा और इसके कारण नेपाल के अंदर भारत के प्रति बहुत ही बड़ी एंटी इंडियन सेंटीमेंट डेवलप, ठीक है। और नेपाल की गवर्नमेंट डायरेक्टली ब्लेम करेगी किसको, इंडिया को, कि इंडिया ही करवा रहा है। और सिस्टमेटिकली एक तरह से नेपाल के अंदर धीरे धीरे डेवलप, और हमारी जो डिप्लोमेसी है वो समझ जाएगी भाई नेपाल के अंदर अगर हम ज्यादा दिन तक रहे तो पूरा का पूरा नेपाल जो होगा वो एंटी इंडिया हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा क्राइसिस यहाँ पर रह रहे। तो ब्लॉकेट करना एक टैक्टिक्स थी इंडिया की, पर वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गई, समझ आ रहा। फॉर ऑलमोस्ट 6 months देयर वाज ब्लॉकेड इन द इंडो नेपाल बॉर्डर, कंटिन्यूस ब्लॉकेट हैव जनरेटेड एंटी इंडिया फीलिंग इन द नेपाल, नेपाल गवर्नमेंट कॉल्ड इट एन अनडिक्लेयर्ड ब्लॉकेड बाय इंडिया, इट सिस्टमेटिकली रेज द एंटी Indian nationalism sentiments and it tried to cozy up the China and use its alternative source of supply. और यहाँ पर नेपाल बहुत ज्यादा चाइना के पास आ गए, ठीक है, समझ में आ रहा। अब देखो एक चीज है कि 2021 की बात है, 2021 के अंदर अब जो केपी ओली है ना, उस वक्त जो गवर्नमेंट हेड कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि जयशंकर आए थे हमारे यहाँ पे फॉरन सेक्रेटरी बनकर, ठीक है, और उन्होंने हमको वार्न करा था कि अगर तुमने कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया वाला कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं कराना
तो फिर हम तुमको क्या करेंगे, हम तुमको पनिश करेंगे, और इसके कारण ही ब्लॉकेड हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि डिसकंटेंट अबाउट द ओवर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इमीडिएटली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेस्ट स्टार्टेड इन तराई रीजन। द प्रोटेस्टेंट्स वर अपसेट दैट द फेडरल स्ट्रक्चरिंग ऑफ नेपाल इनटू सेवन प्रोविंसेस लेफ्ट मधेशीज इन द माइनॉरिटी, ये इनका रीजन था। प्लस इसके कारण और भी चीजें, वो जो सीट का रिजर्वेशन है वो भी चीजें इसके अंदर ब्लॉक। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट यू कैन आस्क, एनी वन हैज एनी डाउट प्लीज आस्क। है ना, ये इतना सा देश है सर नेपाल, इसके अंदर सर इतना कुछ था, बेसिक स्ट्रक्चर आप समझेंगे तब जाकर तुम्हें समझ में आएगा। अब कुछ भी पढ़ोगे तो समझ। अब देखो, फॉरेन मिनिस्टर जब भी जाते हैं या फिर हमारे प्रेसिडेंट कभी भी जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर कभी भी जाते हैं, ये बात कहते हैं कि हम मधेशीज के राइट्स को आपको सिक्योर करने चाहिए। और आज तलक तक नेपाल ने कॉन्स्टिट्यूशन बदला नहीं। हर नेपाल की गवर्नमेंट आती है तो बोलते हैं हाँ, हम देखेंगे, पर हम हमेशा देखते ही रहते हैं। ठीक है, यस दीप्ति, वांट टू आस्क समथिंग प्लीज दीप्ति। सर, एक दिक्कत ये भी हो सकता है क्या, साइकोलॉजिकल फियर भी रहता है क्या नेपाल के पास में, छोटा कंट्री है करके, कि बिल्कुल उसके साइड में दो बड़े कंट्री है इंडिया बिल्कुल, और वो तो चाइना, रहता ही तो होता ही, बिग ब्रदर वाला सिंड्रोम। बिल्कुल बिग ब्रदर ही बोलते हैं हमको, एल्डर ब्रदर इन्होंने आज तक बोला ही नहीं। शुरू से देखते हो ना तुम, तो शुरू से देखते हो कितना ज्यादा साइकोलॉजिकल डायमेंशन रहता होगा इनका, कि दोनों कंट्रीज ने हमारे ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करी। पर यहाँ की इलीट क्लास जो है ना, दैट इलीट क्लास जो होती है ना, हमेशा गवर्न करती है ना कंट्री को, कंट्री के ऊपर हमेशा डोमिनेंस क्रिएट करके रखती है। आज हम देखेंगे कांग्रेस की गवर्नमेंट है या फिर बीजेपी गवर्नमेंट है, इलीट क्लास ही रूल करती है। किसी की भी गवर्नमेंट है, इलीट क्लास, अंबानी अडानी यही रूल करते हैं असली में। तो वहां की जो इलीट क्लास है दैट इज प्रो चाइना, वही है ओके ना। तो वो जो भी रूल बनेगा उधर वो हमेशा चाइना के रेस्पेक्ट में ही बनेगा, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन भी बना था उसके अंदर भी। ओके और नेपाल में चाइना का प्रेजेंस तो है, पाकिस्तान का प्रेजेंस है? पाकिस्तान का प्रेजेंस नहीं है इतना, बट क्योंकि चाइना का प्रेजेंस है तो एक तरह से हम कह सकते, इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली भी नहीं है अगर हम कहना चाहें ना, पर चाइना का प्रेजेंस है। और चाइना का प्रेजेंस पर पाकिस्तान जो है वो नेपाल के अंदर आज तक कभी सक्सेसफुल हुआ भी नहीं, और ना ही उसने उस तरफ ध्यान दिया है। वो अपनी इंटरनल डिस्प्यूट्स प्लस अफगानिस्तान वाला इशू, वो उसके लिए बहुत कंसर्न है। तो वो हमेशा अपना इस बॉर्डर के ऊपर देखता ही नहीं, वो उधर ही तरफ देखता है कि कहीं फॉरन कंट्री अफगानिस्तान के अंदर कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। फिर कश्मीर वाला इशू है, वहां इतना ही सिमटा हुआ है पाकिस्तान, ठीक है, नेपाल तक नहीं पहुंचा, भूटान तक नहीं पहुंचा। नेपाल और भूटान इज अंडर द चाइना, और चाइना नहीं चाहता कोई तीसरा कंट्री आके जबरदस्ती यहाँ पे दिक्कत करे, वैसे हमारा कंट्रोल हम बनाए रखें, है ना। ओके सर, और ना ही नेपाल चाहेगा ना ही इंडिया जाएगा कि पाकिस्तान आए इधर जबरदस्ती, जबरदस्ती का यहाँ पर टेंशन और क्रिएट नहीं करना दिप्ति। ओके सर, सर यहाँ भी एक बार कालीन का क्वेश्चन लेते हैं, फिर विशाखा की तरफ चलेंगे। सर यहाँ भी थोड़ा श्रीलंका जैसा इश्यू हो रहा है, बिकॉज हाँ बिल्कुल 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 खाली सही बोल रहा हूँ। बट हमारा जो ओनली पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, जो जिससे हम डोमिनेट कर सकते हैं, वो मधेशीज ही है। वहां पर वो चीज नहीं थी श्रीलंका में, ये था कि भाई श्रीलंका में जो था वो पॉइंट ये था कि भाई तमिलियंस को हमको सपोर्ट करना कोई हमारी मजबूरी हो गई है। पर यहाँ पर हम सपोर्ट करेंगे तो मतलब उन्हीं लोगों को सपोर्ट करेंगे ना जो हमको मानते हैं, जो प्रो इंडियंस है उनको तो सपोर्ट, अगर उनको सपोर्ट नहीं करते तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वहां पे हमारा तमिलनाडु वाला इशू, कि वहां पे उन लोगों को तमिलियंस जो है वो वैसे हमारे अगेंस्ट में चले गए थे बीच में, तो फिर भी हमको आज तक उनको सपोर्ट करना पड़ता है बिकॉज ऑफ तमिलनाडु। वो हमारा डोमेस्टिक डायमेंशन, यहाँ पर कोई डोमेस्टिक डायमेंशन नहीं है, डोमेस्टिक एंगल नहीं है। यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा एक ही पर्पस है कि वहाँ के जो लोग हैं जो हमको पसंद करते हैं उनको सपोर्ट करें। तो दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम श्रीलंका सिनेरियो। कालिन दिस इज क्लियर? विशाखा प्लीज, विशाखा। सर, जैसे आपने बोला कि चाइना जो है वो भूटान और नेपाल पे ज्यादा फोकस रखता है, क्योंकि वो पाम एंड डिजिट थ्योरी वाला ही एंगल होगा ना रीजन? फार्म एंड डिजिट थ्योरी 1949 की थ्योरी है, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद उस वक्त जो था, चाइना चाहता था कि नेपाल और भूटान को अपना पार्ट बनाए, पर चाइना ने उसके बाद सिक्किम को भी जो है वो बोल दिया, जैसे मैंने आपको बताया था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, कि सिक्किम इज ए सोवरेन कंट्री, नेपाल इज ए सोवरेन कंट्री, भूटान इज ए सोवरेन कंट्री। अभी वो पाम एंड डिजिट थ्योरी है, वो सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं लद्दाख के ऊपर और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर ना, विशाखापट्टनम। उसके अलावा ऑफिशियली उन्होंने ओके डिक्लेयर कर दिया है
ये नेपाल और भूटान को, और पामन डिजिट छोरी को हटाकर, ठीक है, क्योंकि उसको ऊपर अब लोग तो नेशनलिज्म माओ जिदांग तो बहुत फेमस नाम होगा, तो बोलते हैं पामन डिजिट छोरी के अंदर जो हम नेपाल भूटान और उसको हटाकर फिर वो अब दूसरे डायमेंशन जा रहा है, साउथ चाइना सी के अंदर डिस्प्यूट क्रिएट कर देगा कि ये ले लो भाई, ये तो नहीं ले सकते तो ये ले लो, एक तरह से साउथ चाइना सी दे देते हैं अपन, ठीक है, इस तरह से करेंगे। विशाखा, ओके एनी मोर डाउट विशाखा? नो सर Somebody want to ask something? Yes, Deepthi want to ask something? Yes. सर हाँ सर, अगर हम देखेंगे लास्ट डिकेड में करीब 8 से 10 साल में इंडिया का रिलेशन सबके साथ अच्छा हुआ है, लेकिन अपना नेबर के साथ में प्रॉब्लम हुआ है, नेबर मतलब? नेपाल श्रीलंका। अच्छा, और बट बाहर लोगों के साथ रिलेशन अच्छा है, बांग्लादेश के साथ रिलेशन डिपेंड करता है कि वहां पे पॉलिटिक्स में कौन आएंगे। बट ओवरऑल 8-9 साल के अंदर अच्छा ही रिलेशन हुआ है, सिर्फ पॉलिटिक्स हाँ, वगैरह। हाँ जब तक ये गवर्नमेंट रहेंगे वहां पे तो तब तक तो अच्छा रहेगा। तो ये कौन सा डायमेंशन बोल सकते हैं, कहाँ पे हम लोग का डिप्लोमेटिक एरर हो रहा है? देखो, इंडिया ऑलवेज ट्राई टू एस्टेब्लिश अ गुड रिलेशन विद द व्हाट विद द नेबरिंग कंट्रीज, बट अगर आप नेबरिंग कंट्रीज के अंदर इस टाइम देखेंगे, ठीक है, एक तो चाइना का राइज हो रहा है, दैट इज द मेन इशू, राइज ऑफ चाइना। 2014 के बाद जो चाइना ने राइज करा है वो अलग ही लेवल का करा है, मतलब एग्रेशन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर ज्यादा इंटरफेयर करना, ठीक। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अफगानिस्तान के अंदर तो हम देख रहे हैं कि भाई तालिबान वाला इशू रहा है, पाकिस्तान के साथ हमारा कोई रिलेशन है ही नहीं, ठीक है। नेपाल और भूटान के अंदर, नेपाल हमारा जो था उसका क्या रीजन है, नेपाल के साथ इरिटेंट्स क्या है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन हमें पसंद नहीं आया, उससे पहले तो हमारा रिलेशन अच्छा ही था, पर कॉन्स्टिट्यूशन आया उसके बाद से डेडलॉक वाली स्थिति आ गई, तो नेपाल भी हमारे हाथ से इस तरह। भूटान के साथ हमारा अच्छा रिलेशन है, वो बन रहा है। अगर हम देखें इधर, बांग्लादेश के साथ अच्छा रिलेशन है, वो बन रहा है। श्रीलंका के साथ तो आपको पता ही है क्या बेसिक है, तो ऐसा नहीं है कि पिछले 8-10 साल तक ये ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, कि हमारा रिलेशन जो है नेबरिंग कंट्री से अच्छा नहीं है। जैसा है उसका मैंने पूरा पूरा बेसिक स्ट्रक्चर बताया कि कंट्रीज का क्या इरिटेंट्स है, और उनके बेसिस पर अगर आप सोचेंगे तो रिलेशंस बनना ऐसा ही था, चाहे कोई भी आता उधर इसी तरह का रिलेशन बनता। कॉन्स्टिट्यूशन अभी पास हुआ है नेपाल के अंदर, हम नहीं कर सकते कुछ, तो हम हमेशा विरोध ही करते कि मतलब मधेशी इसका अगेंस्ट भी जाएंगे, तो कोई सी भी गवर्नमेंट होती, यूपी गवर्नमेंट होती, एनडीए की गवर्नमेंट होती, दोनों ही विरोध करते। डिप्लोमेसी भी क्या करें भाई, जब इतना ज्यादा इंटरनेशनल रिलेशन, रशिया यूक्रेन का वार हो गया तो फिर और ज्यादा क्राइसिस आ गए, नेबरिंग कंट्रीज के अंदर श्रीलंका के अंदर क्राइसिस आ गए, तो वो हमको ओवरऑल देखना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक कंट्री है उसको ब्लेम, एक गवर्नमेंट उसको ब्लेम कर दे या यूपी गवर्नमेंट उसको ब्लेम कर दे, हम ओवरऑल हमको डैमेज। तभी तो मैंने तुमको सिखाया कि हमको सिर्फ एक डायमेंशन पकड़ कर नहीं सोचनी, हमको सारी डायमेंशन पकड़ के सोचनी चाहिए। दीप्ति, एक एक कंट्री का रीजन सर, बताया तुम्हें कि भाई इसके अंदर क्या चल रहा है, इसके अंदर क्या चल रहा है, इसके अंदर क्या चल रहा है, तो आप देख सकते हैं, आप खुद एनालाइज कर सकते हैं इसको दीप्ति। और अगर हाँ, ऐसे डिप्लोमेट क्योंकि तुम भी होते तो तुम क्या करते हैं, सोच कर देखो, क्योंकि ठीक क्योंकि अभी एनडीए वन जब आया 2014 में, तो फिर हमने एक पॉलिसी अपनाई कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। है। यस, और इंडिया ट्राइड इट्स लेवल बेस्ट, और इंडिया इज ट्राइंग, इंडिया हाँ, ने बहुत सारे। हाँ और ऑप्टिमिस्टिक है हम लोग बहुत ज्यादा। और मतलब एक बड़ा रीजन बोल सकते हैं कि चाइना का एग्रेशन बढ़ गया है, हाँ एक बड़ा बोथ रीजन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली भी। पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, रिविजनिस्ट स्टेट चाइना जो था ना, कि पहले जो चाइना चुप रहता था इंटरनेशनल डायमेंशन में, वो इंटरनेशनल डायमेंशन में उतर गया। यस सर, और एक कोविड भी बोल सकते हैं कुछ कुछ हद तक। कोविड के अंदर क्राइसिस सिचुएशन बढ़ी है सारी कंट्रीज के अंदर, कोविड का एक अपन आफ्टर कोविड क्या क्या चेंजेस आए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, उसका एक अलग से अपन टॉपिक लेंगे। बट ऐसा नहीं है कि भाई हमारा जो रिलेशन है कोविड के बाद नेबरिंग कंट्रीज से सुधरा ही है, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा असिस्टेंस प्रोवाइड करा है नेबरिंग कंट्रीज, क्योंकि हमने और बहुत सारे वैक्सीन वगैरह प्रोवाइड बिल्कुल किए। बिल्कुल वैक्सीनेशन जो है दैट इज अ मेजर इशू। देखो ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन बहुत सारी कंट्रीज के अंदर डेवलप हो गया था, नहीं, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसने वैक्सीनेशन डेवलप करा, ठीक है, और उसके अंदर डेवलप करके जैसे यूएसए ने भी करा, पर बड़ी बड़ी कंट्रीज ने करा, यूएसए ने करा, और हम देखेंगे ब्रिटेन ने भी अपनी वैक्सीन बनाने की कोशिश करी, यूएसए ने भी, चाइना ने भी वैक्सीन बनाने की कोशिश करी, पर इंडिया की जो वैक्सीन थी दैट वर मोस्ट इफेक्टिव वन, है ना, ऐसा नहीं था कि हम इफेक्टिव नहीं, उसका इफेक्ट था। हमारे यहाँ पे देखिए कोविड कितना कम हुआ उसके बाद, ये तो तबाही मच जाती। और वैक्सीनेशन का हमने बहुत ही एग्रेसिव कैंपेन रहा, ना केवल डोमेस्टिक डायमेंशन के अंदर बट इंटरनेशनल डायमेंशन। जब यूएसए अपनी सारी वैक्सीन दबा कर बैठा है, हम नहीं देंगे, हम तो अपने करेंगे बस, और उसके बाद इतना प्रोडक्शन,
और इंडिया के अंदर जब क्राइसिस सिचुएशन भी है, जब हमारे लोगों को वैक्सीन नहीं लगे तभी भी हमने पूरे वर्ल्ड को वैक्सीन दिया। समझ में आ रहा? वो वैक्सीनेशन अप्रोच जो इंडिया का था दैट कि वो अच्छा कंट्रीज के अंदर जो है आसपास कंट्री पॉजिटिव अप्रोच ही होना चाहिए, बट हम देखेंगे ओनली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर बहुत सारे डायमेंशन वर्क करते हैं, बहुत सारी चीजें वर्क करती है। सिर्फ लोग बाग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर, सेल्फ सेंट्रिक इंटरेस्ट पर ज्यादा देखते हैं, और हमने बहुत सारी चीजें करी। अगर हम देखें स्पेस डिप्लोमेसी भी हमने करी है कि रिलेशन अच्छा सुधार जाए, सार्क सैटेलाइट भी दिया है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी अप्रोच है एक तरह से, कि हमने सैटेलाइट सर्विसेज एक तरह से उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी है, ठीक है। हमने बहुत सारी कनेक्टिविटी इशू भी करने की कोशिश की और किसी के साथ भी हमने आगे से जाकर एग्रेशन नहीं दिखाया, ठीक है। तो हम तो अपनी अप्रोच के अंदर हम ट्राई कर रहे हैं अपने, पर हम देखेंगे कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है भाई। ऐसा नहीं कि पिछली बार हमारा बहुत अच्छा रिलेशन था तो हम तो गले ही मिलते रहते थे, ठीक है, नहीं, कोई उनकी कंट्री में कुछ चेंज होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अभी बनाए तो जो रिएक्शन होगा तो भी तो अभी जाएगा, तो वो सब चीजें हमको देखनी पड़ेगी। हाँ, एक मेजर रीजन जो आप कह सकते हो ओवरऑल कि चाइना बिकम मोर एग्रेसिव और ज्यादा चाइना का इंट्रूजन भी हुआ है इंडिया के अंदर और इंडिया का डायमेंशन उस तरफ भी गया है। पर इंडिया का अगर ओवरऑल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो काफी अच्छा जो मेजर इराक के अंदर है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें, इकोनॉमिक डायमेंशन में हम बहुत क्रिटिसिज्म है उसका, है ना, इकोनॉमिक डायमेंशन में बिल्कुल बर्बाद है, राइट। पर मोदी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज टुवर्ड्स दिस वन इंटरनेशनल ज्यादा एग्रेशन है, ठीक है, ना ही ज्यादा कि भाई सबमिसिव पॉलिसी की आपके बिल्कुल गुलामी बन के रह जाए, हर वर्ल्ड को जो है पूरे वर्ल्ड को अच्छे से एनालाइज करके फिर स्टेटमेंट दिए जाते हैं और बहुत ही न्यूट्रल अनबायस्ड स्टेटमेंट दिए जाते हैं, किसी से हम ना किसी के उसके ऊपर है दबाव के अंदर आके डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, ना किसी का हम क्या कर रहे हैं ज्यादा फेवर ले रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट अप्रोच जो होती है वो अभी हमको डिप्लोमेसी के अंदर दिख रही है, ठीक है। नहीं तो पहले जब का टाइम था जब तो हम बिल्कुल हमारे ऊपर अटैक कर देते थे तो हम क्या करते थे, कुछ कर ही नहीं पा रहे। अभी हमने एक स्ट्रेंथ भी दिखाई है, पाकिस्तान को आइसोलेट करने की डायमेंशन जो है उसमें भी काफी सक्सेसफुल रहे। हमने जब हमारे ऊपर अटैक हुआ है तो हमने उसके अंदर सर्जिकल स्ट्राइक्स भी करी है, वो सब चीजें भी करी है। तो ये एक तरह से इंडिया का इंडिपेंडेंट प्लस एक तरह से मोरल अप्रोच भी हमने अपनाई है, सब बिल्कुल अच्छा इंटरनेशनल रिलेशन चल रहा है। बट इंटरनेशनल रिलेशन इज ओनली वन डायमेंशन टू गवर्न अ नेशन, देयर मेनी अदर डायमेंशन, दैट इज इकोनॉमिक डायमेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक्स के अंदर भी हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पर जितना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते थे उतना नहीं कर, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर, वो सारी डायमेंशन, पर इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर काफी अच्छा अप्रोच हमारा है। और सर डिफेंस वाइज देखेंगे तो इंडिया में अभी जैसे अग्निपथ स्कीम स्टार्ट हुआ है वहां पे 4 ईयर वाला जो इशू है, पहले हम लोग गोरखा रेजिमेंट हम हाँ, वो वाला तो अपने इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर वो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर डिस्कस करता है, अभी इसको करेंगे यहाँ पर भी डिस्कस नहीं पाते। ओके ओके, वो तो डिटेल के अभी तो मैंने बेसिक हाँ हाँ, अभी नेपाल खत्म नहीं हुआ, नेपाल की क्लास एक या डेढ़ क्लास और है नेपाल के अंदर, तो गोरखा रेजिमेंट वाला इशू तो वो तो डिटेल कोई भी इशू छोड़ तो रहे नहीं डिटेल के अंदर डिस्कस, वो जब आएगा तब अपन उसको डिस्कस कर लेंगे। सर, कैन वी से दैट इंडिया फॉलोज अ बिट मॉरलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी? मॉरलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि भाई देखो भी अगर हम देखें ना इंडिया के खून में एग्रेशन ऐसा नहीं है कि हम जाकर यूएसए की तरह या फिर चाइना की तरह एग्रेसिव दिखाएं। हम अपना जो एक कंट्री का नेचर बनता है ना वो उसके अंदर बहुत पुराना सदियों से बना हुआ होता है नेचर, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दिन में नेचर बन गया, लीडर चेंज हुआ और हम एग्रेसिव हो गए, नहीं, लीडर्स तो आते जाते रहते हैं। कंट्री जो है एक बड़ा एक बेसिक स्ट्रक्चर बना, ठीक है, कि भाई वी आर द लैंड ऑफ बुद्धा, बुद्धा का इफेक्ट हमारे ऊपर अभी तक, महावीर का इफेक्ट हमारे ऊपर अभी तक, वी आर द लैंड ऑफ गांधी, गांधी का इफेक्ट हमारे सदियों तक चला जाएगा। गवर्नमेंट आती है जाती है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की जो हमारा बेसिक नेचर है वो तो वही रहे। आज भी हम जाकर भी किसी देश के ऊपर अटैक करना चाहें तो हमारा जो मॉरल एटीट्यूड है वो हमको गवारा नहीं करेगा, हमारा एक एटीट्यूड जो बनाया है उसने फॉरेन पॉलिसी के अंदर, हम ऐसा मोरलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी तो ऐसा हो जाए कोई हमें मार के जाए तो भी हम आजाद मार लिया, वो उस डायमेंशन में मोरलिस्टिक, कोई भी हमारे ऊपर करे कुछ भी करे हम परोपकारी करते रहे, वैसा नहीं है। तो उस मोरलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी का मतलब उस डायमेंशन में चलो, हाँ हम ये कर रहे हैं कि हम
हर कंट्री का फेवर कर रहे हैं, हर कंट्री को हम सहायता पहुंचा रहे हैं, हर डायमेंशन के अंदर कर रहे हैं, पर हम अपना इंटरेस्ट भी रख रहे हैं सब। तो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की तरफ इंडिया जा रहा है, ऐसा अपन कहेंगे। प्लस एक वेलफेयरिस्टिक अप्रोच अपना रहा है सब जगह पर डायमेंशंस को देखो, हम एक्चुअली इसको डिफाइन नहीं कर सकते। कुछ कुछ जगह पर हम बड़े प्रैक्टिकल है, हम बड़े प्रैक्टिकल हो जाते हैं जहाँ पे प्रैक्टिकल होना होता है। तो हमारी जो पॉलिसी है वो रियलिस्टिक पॉलिसी ज्यादा लग रही है अभी, डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स, ठीक है, कि हम क्वाड के अंदर भी जा रहे हैं, हम किसी से निर्भीक करेजियस अप्रोच हम अपना रहे हैं, पर लोगों को ये भी लग रहा है कि भाई इंडिया अभी अभी एक सर्वे हुआ था, मैं बताता हूँ आपको, चाइना के अंदर, और उसमें चाइना के लोगों ने बहुत ज्यादा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट और बोला कि वो वेस्ट की अप्रोच है, वेस्ट की तरफ इंडिया का अप्रोच है, जो यूक्रेन वॉर के अंदर, यूक्रेन और इंडिया वॉर, यूक्रेन और रशिया वॉर के बीच में जो इंडिया के सेंटेंसेस है, स्टेटमेंट्स है, दैट इज वेरी वेरी अपीलिंग स्टेटमेंट्स। और इंडिया ने ये दिखाया कि बिना किसी कंट्री से लड़े और दोनों कंट्री को दोस्त बनाते हुए किस तरह से एक बैलेंस्ड अप्रोच के अंदर, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के अंदर, ये चाइना की पॉपुलेशन जो है ना, चाइना के अंदर सर्वे हुआ था जिसमें एस जी शंकर वॉज ए हीरो इन द आईज ऑफ द चाइनीज पीपल। और चाइना वाले लोग ये भी मानते हैं, उस सर्वे के अंदर ये भी लिखा गया था, चाइना के लोग ये भी मानते हैं कि चाइना को भी इंडिया जैसी की फॉरेन पॉलिसी अपनानी चाहिए। ये सर्वे किसके अंदर हो, चाइना के अंदर हो रहा है, ठीक है, जहां पर एक ऐसा नेशनलिज्म जनरेट है कि हमें इंडिया के, इंडिया एक तरह से इंडिया को हरा कर हमें आगे बढ़ना है एशिया के अंदर। पावर वहां के लोग कहना है कि भाई चाइनीज गवर्नमेंट को भी इस तरह से करना चाहिए था। चाइनीज गवर्नमेंट इज बिट व्हाट अनबैलेंस्ड, मतलब अनबैलेंस मतलब बिट इंक्लाइन टू वर्ड द रशिया। पर इंडिया ने जो फॉरन पॉलिसी बनाया, इंडिया के जो स्टेटमेंट होते हैं, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, इंटरनेशनल वर्ल्ड के आगे उन्होंने वेस्ट की जो बुराइयां हैं वो सबके सामने उजागर करी है, वहीं दूसरी टाइम रशिया के अंदर भी बोल रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ जाएंगे, आपको युद्ध बंद करना चाहिए। दोनों साइड किस तरह से बोला जाता है, दोनों साइड में एक बैलेंस्ड अप्रोच रखकर अपनी जो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है, ठीक है, और ह्यूमनिज्म को और अपनी कंट्री को किस तरह से आगे लाना, वो इंडिया से सीखना चाहिए, चाइना के लोग बोल रहे हैं। फॉरेन पॉलिसीज के अंदर हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमने बहुत गंदा करा है। यहाँ पर अगर पॉइंट देने होंगे तो आउट ऑफ 10 8 पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे आराम से, कोई भी अगर फॉरेन एनालिस्ट होगा। बट क्योंकि चाहे कि अलग अलग गवर्नमेंट के अंदर, अलग अलग डायमेंशंस के अंदर अलग अलग सिनेरियोस क्रिएट होते हैं, तो उन सिनेरियोस के बेसिस पे देखा जाता है, ठीक है। एनीबडी हैज एनी डाउट? So that's all for today's class. That's the end of today's class. Thank you so much. Please revise your notes again and again. Please watch this video. हमको recorded lectures इसलिए दिए हैं, ये recorded lectures आप देखें कहीं भी इस तरह से provide होते हैं, पर हमारा ऐसा मानना होता है एक दो बातें आपसे और करनी है, ठीक है, then we will end the class. देखिए, हम जब भी किसी के साथ भी relationship establish करते हैं, जैसे अभी अपना relation है student और टीचर का रिलेशन, मेरे यहाँ पे कलीग्स भी है बहुत सारे, ठीक है, ऑफिस के अंदर असिस्टेंट, मार्केटिंग टीम भी है, ठीक है, बहुत सारे। तो हम जब भी किसी के साथ भी रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ थॉट मेरा ये होता है, मे बी इट इज आइडियलिस्टिक अप्रोच, कि मैं पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस में रहता हूँ कि मेरे जो भी लोग होंगे, जो भी जिससे भी मैं रिलेशन एस्टेब्लिश करता हूँ, उनके ऊपर मेरे को पूरा भरोसा होता है, पूरा ट्रस्ट होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट पे चलता है, ठीक है। मैं मानकर चलता हूँ कि उनके वेलफेयरिज्म के लिए हमको काम करना चाहिए, अप्रोच ऐसा रहता है कि स्टूडेंट्स ने भरोसा करा हम पे, तो हमें भी इक्विवेलेंट भरोसा करना चाहिए स्टूडेंट्स की, और स्टूडेंट्स की आशाओं पे खरा उतरना चाहिए। मार्केटिंग टीम ने मेरे पे भरोसा करा, तो मेरे को भी उसके ऊपर पूरा भरोसा करना चाहिए। मेरे जो टीचर्स हैं जिन्होंने बैकअप सपोर्ट मेरे को देते हैं, प्लस जो भी जिनको भी, तो उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट करा, तो ऐसा मेरा अप्रोच रहता है, ठीक है। स्टार्टिंग में सबों ने मना करा मेरे को, अगर टीम ने, कि सर ऐसे वीडियोस मत दो, वीडियोस आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है सर, पीडीएफ्स मत दिया करो, ठीक है, एक अपन ऐसा एक चीज बना ले जिसके अंदर वीडियोस को पढ़ना, स्क्रीनशॉट ले पाए बच्चा, ना कुछ ऐसा करे, ऐसा हो जाए। पर मेरा अप्रोच ये रहता है कि अगर हम स्टूडेंट के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश, तो इतना प्यारा रिलेशन एस्टेब्लिश करना है कि स्टूडेंट खुद सोचे अधिष्ठान है इसके बारे में, ठीक है, कि हम अगर ये कर लेंगे तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे कर्मा जो होंगे वो वायलेट हो जाएंगे। एक एथिकल टाइप ऑफ अप्रोच रखे इस टाइम पर, ये बहुत ही आइडियलिस्टिक अप्रोच है, बट स्टिल आई बिलीव दिस वन। तो जो भी आपको फैसिलिटीज दे रहे हैं, वीडियोस दे रहे हैं, कहीं पर भी इस तरह से वीडियोस आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं, राइट, है ना। और ये वीडियोस आपके साथ रहेंगे 2 साल के, अभी जो प्रीलिम्स के पुराने बच्चे यहाँ पर है, ठीक है, कालिंद है, पुराने बच्चे, ठीक है, आई थिंक विशाखा भी है, राइट, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जो जिन्होंने प्रीलिम्स के कोर्स करे थे, उनके पास अभी तक वीडियो 2020 के अंदर करे थे उन्होंने,
अभी तक उनके पास वीडियो वीडियो अवेलेबल रहेंगे. प्लीज डू नॉट डाउनलोड दिस वीडियो, प्लीज डू नॉट सर्कुलेट पीडीएफ्स टू अदर पर्सन. ठीक है, दिस इज फॉर यू, हमने आपके लिए भरा है ये सब चीजें और हम आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट कर रहे हैं. ठीक है, कोई भी होगा कि पहला जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है कि वो देखते हैं स्टूडेंट्स आर नोटोरियस, वो ऐसे काम करेंगे कि दूसरों को पासवर्ड शेयर कर देंगे, ये कर देंगे, हम वो सब चीजें दिमाग में ही नहीं ला रहे, है ना. तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप लोग भी इतना कुछ हमको, हमारा कभी भी भरोसा मत दो ना. देखो ये तो एग्जाम तो आते हैं जाते रहते हैं, ठीक है, टीचर्स भी आते हैं जाते रहेंगे, लेकिन जब भरोसा टूटता है तो हो सकता है फिर हमारा अप्रोच बदले, हम भी जो कैपिटलिस्ट माइंडसेट है एजुकेशन में वही हम भी अपनाने लग जाए कि नहीं नहीं यार भरोसा करना ही. मैं अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता और उसके अंदर आपका बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन. तो व्हाट आई वांट टू कन्वे इज दिस वन, कि ये जो वीडियोज है दे आर वेरी प्रीमियम टाइप ऑफ वीडियोज, ठीक है, उसके ऊपर ही हम अपने रजिस्ट्रार आईएएस को चला रहे हैं, ठीक है, और उसके ऊपर ही अफोर्डेबल एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है, इन वीडियोज को प्लीज शेयर ना करें, इन पीडीएफ को प्लीज शेयर ना करें, ठीक है, अपने जो जीमेल एड्रेस है, यूजर नेम पासवर्ड से ये तो हमारा है, वो किसी और को ना दें. ठीक है, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से. ठीक है, आई डू नॉट वांट टू से कि भाई, वैसे तो ये चीजें बहुत ही, दैट इज वेरी ऑब्वियस कि अगर कोई कहता है तो लीगल एक्शन होगा बिकॉज अधिष्ठा न्यायस इज रजिस्टर्ड कंपनी, पर आई डू नॉट वॉन्ट टू से दिस काइंड ऑफ थिंग्स टू. ठीक है, यू शुड हैविंग योर ओन कॉन्शन, अपनी खुद की कॉन्शन होना चाहिए, और ये भी आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों को बताएं कि इतना कम फीस के अंदर, अफोर्डेबल फीस के अंदर इतना सारा नॉलेज कोई दे रहा है. ठीक है, अधिष्ठान न्यायस आपका एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इसको किसी तरह से आप प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इससे जोड़े, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का वेलफेयर हो, प्लस जो भी चीजें आपको दी जा रही है ट्रस्ट के साथ दी जा रही है उसको कभी शेयर ना करें. हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को सब कुछ मिले, ठीक है, सब कुछ, कभी उनको ऐसा सोचना ना पड़े कि सर कि कई जैसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं एक साल का फीस इतना रहेगा उसके बाद आपको भूल गए. नहीं, हम चाहते हैं, अभी तक मेरे से बच्चे जुड़े हुए हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जुड़े रहे, लास्ट तक जुड़े रहे टीचर के साथ, स्टूडेंट. फिर क्या मतलब है, मतलब इतना ज्यादा कैपिटलिज्म फैलाए एजुकेशन, जो कि बहुत एक सर्विस अप्रोच होना चाहिए, एक तरह से देने वाला अप्रोच होना चाहिए. ठीक है, उसके अंदर अगर थोड़ा बहुत इस तरह की इतने ही वर्ड्स बोल रहे हैं, इसको इतने ही लेवल के अंदर पढ़ाना है, यही चीज करनी है, इतना प्रोफेशनलिज्म लाकर आना, ये वेलफेयरिस्टिक अप्रोच होना चाहिए. ठीक है, एजुकेशन का. तो आप लोग भी ध्यान रखें, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, कि आप लोगों को भी इस चीज को याद रखना है कि ऐसे शेयर ना करें किसी से वीडियो. बहुत टेम्पटेटेड थिंग है कि भाई मैं आपको वीडियो दे दूंगा, ले भाई मैंने तेरे को वीडियो दे दिया, तेरे को पीडीएफ दे दी, तो पर दिस इज रॉन्ग थिंग, अनएथिकल थिंग है. और आप जिसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उसके अंदर एथिक्स प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, समझ में आ रहा है. एक अलग से आपका जीएस पेपर 4 भी है. प्लीज डू नॉट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स. ठीक है, आप कहें कि आप लें कोर्स, काफी अच्छा कोर्स है, आप खुद पे करके लें, बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है, इस तरह से आप कहें, पर किसी को शेयर ना करें. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच. कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आई एम देयर फॉर यू. और अभी ये रिलेशन सिर्फ 2 महीने के लिए नहीं है, ये रिलेशन सालों तक चलेगा. ठीक है, आप कभी भी कोई भी कोर्स होता है इंटरनेशनल रिलेशन का तो उसमें जाकर आप आ सकते हैं. ठीक है, जैसे इथिक्स के कोर्स में भी मैंने अलाउ कर रखा है कि इथिक्स के कोर्स में भी कोई भी बच्चा कितनी भी बार इथिक्स के कोर्स को कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट. कितने भी दिन तक वीडियो लेक्चर्स आप उसको दे देंगे, नए लेक्चर्स भी दे देंगे, पुराने सब दे देंगे हम तो. ठीक है, बट हाँ, प्रीलिम्स के अंदर ये रहता है कि प्रीलिम्स के अंदर स्टूडेंट्स से हम 50% अप्रोच अभी अपनाएंगे कि जो भी पुराने प्रीलिम्स के स्टूडेंट थे वो 50% के अंदर लाइव क्लासेस दे सकते हैं, 50% फीस स्ट्रक्चर. इसका भी रीजन है क्योंकि जब कुछ फ्री में मिलता है तो तुम लोग बिल्कुल ही उसको क्या लेते हो, एक तरह से सीरियस नहीं लेते. फ्री में मिल रहा है तो मतलब यार ऐसा ठीक है, फ्री में मिल रहा है, सर ने वीडियो दे दिया, अब ठीक है कल देख लेंगे परसों देख लेंगे. डिसिप्लिन अप्रोच रखना होगा. जब तक आप किसी को फ्री में देंगे उसकी इंपॉर्टेंस को समझ ही नहीं पाता. ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय. सर डाउट है. हेलो, हाँ वैशाली प्लीज. हाँ सर, डाउट है सर. हाँ पूछिए ना प्लीज. सर जैसे अगर पॉलिटिकल केस में देखा जाए तो सर नेपाल और चाइना आल्सो हैव बाउंड्री डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग तिब्बत एरिया, देन व्हाई नेपाल टिल्टेड और हैविंग सॉफ्ट कॉर्नर फॉर चाइना. अभी अभी बस वो नेक्स्ट क्लास के अंदर एक्सप्लेन हो जाएगा ना. और अच्छा ठीक है सर. और अगर सर इकोनॉमिक इशू की बात की जाए तो सर अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक डायमेंशंस में भी चाइना जो है वो नेपाल को एक जस्ट यूज करता है एज ए डंपिंग जोन ऑफ कस्टम. करेक्ट, वो भी अभी इकोनॉमिक्स डायमेंशन में अभी अपन ने कहा, अभी अपन ने सिर्फ पॉलिटिकल डायमेंशन देखा है. वो सारे के पॉइंट्स अभी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर है स्पेशली.
ओके थैंक यू सर आई विल लेट यू दैट एट दैट टाइम ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली बाय बाय टेक केयर अच्छे से पढ़ो बार बार में देखो वीडियोस को अच्छा का कोई भी डाउट हो तो आपस में भी अब हम क्या करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में थोड़े से डिस्कशन वाले चीज भी रखेंगे ठीक है कि आप लोग आपस में भी डिस्कस करें तो उसके लिए भी ग्रुप्स बना देंगे ठीक है जैसे तीन तीन चार चार जनों का ग्रुप बना दूंगा तो आपस में भी डिस्कस करा करो है ना डिस्कशन उसका भी इम्पोर्टेंट वो टाइम आने पर बता दिया जाएगा ठीक है दैट्स ऑल थैंक यू सो मच बाय बाय